सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतह श्री 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 माधुभक्त सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतह श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन, इसलिए प्रेम प्यार करना तो वाकई विहार को ही प्यार करो। शंकर जी शरीर में शंकर जी की श्रृंगार किया है, सर्प है। कदी ये सर्प कौन है? बोले श्री अनंत देव, ये शंकर जी की गुरु है। शिक्षा देते हैं अगर कुछ भूषण धारण करना हो अपना गुरु जी की उपदेश को ही जीवन में भूषण रूप में धारण करो, जिसे तुम जिससे तुम्हारी बेड़ा पार हो जाए। पहनते हैं कौन? व्याघ्र छाल पहनते हैं। इसलिए शंकर जी ये परम वैष्णव है, जिनको भागवत में बताए वैष्णवानाम यथा संभो। जो संतो होते हैं वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए शंकर जी कैलाश में जाकर के बर्फ के ऊपर बैठे हुए, लेकिन तब भी शंकर जी का पीछा कोई नहीं छोड़ते। कैलाश में भी पहुंच जाते हैं श्री भोले बाबा के पास में। शंकर तो कोशिश किया अपने आप को छिपाने के लिए, लेकिन वो छिपा नहीं सके। शंकर जी के शरीर में सबसे पवित्र वस्तु विद्यमान है। कहते कौन है पवित्र वस्तु बताओ? शंकर जी के शरीर में सबसे पवित्र वस्तु विद्यमान है, बोलो कौन बोलेगा? कहते ये पतित पावन श्री गंगा देवी। बोले श्री गंगा देवी की जय। इसलिए शंकर जी कृष्ण को दर्शन करने के लिए बड़े सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हुए अलख निरंजन करते करते नंद भवन में पहुंच गए। वहां पर एक गोपी थी। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले मैंने सुना नंद के एक लाला भयो है। बोले नंद के लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले थोड़ी सी लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदर सधज करके आई थी, लेकिन निकली और राक्षसी। लेकिन तू तो देखने में बेज लग रहे हो, तेरे को देख करके तो हमारी जी घबरा रहा है, लाला का दर्शन नहीं होगा। सोना चांदी जो कुछ लेना ले, अपना रास्ता देख। उसने जा करके मैया जसोदा को बोल दी। बोले जसोदे कहीं से एक बाबा आया है, वो कहते लाला को दर्शन कराओ, जिसको देख करके मेरे जी घबरा रहा, जा करके तू देख। मैया देख करके तो घबरा गई। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले मैया मैंने सुना तेरे घर में एक सुंदर लाला भयो है। बोले मेरे लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। बोले बाबा तेरे को देख करके मैं ही घबरा रही हूँ, इसलिए लाला का दर्शन नहीं होगा, इसलिए जो सोना चांदी लेना लो और अपना रास्ता देखो। शंकर जी ने कहा देखो जब तक तुम अपना लाला दर्शन नहीं कराओगे मैं यहाँ से हटने वाला नहीं। शंकर तो त्रिशूल गाड़ करके बैठी है। बोले यहाँ पर चार दरवाजा है, यहाँ बैठोगे तो मेरे लाला को तो दूसरे दरवाजे से निकाल दूंगा। बोले मैं चार रूप लेकर बैठ दूंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा है। बोले मेरे 11 रूप भी है, 11 रुद्र है, सारे दरवाजा पर बैठ जाऊंगो। कभी तक अपना लाला को निकालोगे फिर मैं दर्शन करके जाऊंगा। शंकर तो त्रिशूल गाड़ कर बैठी गए और ठाकुर जी को मन मन में स्मरण किया। हे ठाकुर जी बड़ी दूर से मैं आया हूँ, तेरे सारे अवतार तो देखा है लेकिन ये बाल गोपाल स्वरूप को मैंने नहीं देखा। अगर भूख लगे तो अब रोते हो मैया, पर आपको दूध पिला दिए। चलना हो चल नहीं पाती मैया, आपकी अंगुल पकड़ करके चलाना सिखाती है। प्रभु ये लीला मैंने नहीं देखा, एक झलक दर्शन दे दो। भगवान भक्त वत्सल है। अभी शंकर जी को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी। जितने थपथप लगाए उतना जोर जोर से रोए, पूरा परिवार दंग रह गए। बोले लाला को रोना क्यों नहीं बंद होता है?
एक गोपी ने बोला, देखो मैया वो जो बाबा है ना, वो त्रिशूल गाड़ करके आग बंद करके बैठा हुआ तेरे लाला के ऊपर में कोई नजर लगा दिया लगता है, नजर लगा रहा है। वो कहते जब तक लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी यहाँ से मैं जाने वाला नहीं। अरे मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी गले में, काला धागा पहना करके बड़ी कष्ट से लाला को लेकर के आती। बोले बाबा तू बड़े अखड़ हो, देख लाला को। जब उन्हें एक झलक दर्शन कराया, दर्शन करते ही अभी तक तो कृष्ण रो रहे थे, उन्हें खिलखिला कर हंसने लगे। शंकर जी हंस रहे थे, रोना शुरू कर दिया। मैया समझ गई ये बाबा कुछ जादू टोना जानता है, अपना हंसना दे करके लाला का रोना ले लिया। अगर माताओं को पता चलना ये बाबा को कुछ जादू टोना हाथ रेखा देखना आता है, क्या करते हैं सब माताएं सब घिर जाती। बोले बाबा मेरे थोड़े हाथ देख ले, बताओ मेरे क्या होने वाला है। अभी सबके सब घिर गए। बोले बाबा तेरे को कोई जादू टोना आता है ना क्या। बोले और क्या। बोले मेरे लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कोई तुम्हारे पास में जादू टोना है क्या। बोले बढ़िया जादू है। बोले बता दे। बोले लाला को जब तुम स्नान कराओगे वो चरणामृत को मेरे सर पर डाल देना। बोले ठीक है बाबा सो कर दूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा। बोले और ये काम करोगे तो लाला को कभी नजर नहीं लगे। बोले बता दे। बोले लाला को जो भोजन कराओगे वो जो बच जाएगी भोजन, वो भोजन मेरे को देना, क्योंकि कोई चीज जब भगवान को भोजन लगता है वो प्रसाद हो जाता है। वही प्रसाद जब भगवान किसी भक्त को भोग लग जाए वो प्रसाद नहीं, ये महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए नियम है कोई भी चीज हो पहले कृष्ण को नहीं तो नारायण को नहीं तो राम को भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद को शंकर जी हो, देवी हो, हनुमान जी हो, गणेश हो, फिर इनको भोग लगानी चाहिए। जैसे हनुमान जी को कोई लड्डू कोई मीठा भोग लगाओ, थोड़ी हनुमान जी खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। जब तक प्रभु राम की सेवा में नहीं लगे, जब तक माता जानकी नहीं खाती है ना, तब तक जितने आप लड्डू मिठाई दे दो ठाकुर जी ग्रहण करने वाले नहीं, हनुमान जी ग्रहण करने वाले नहीं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इतने में कृष्ण, उन्होंने जब 3 महीना की हो गए, इतने में कृष्ण करवट ली। मैया तो बड़ी खुश हो गई, लाना ने करवट लियो है, आज करवट लेने का उत्सव हम मनाएंगे। सब ब्रज गोपियों को नौता दे दी। बोले आओ आज हम घर में हम कीर्तन करेंगे। उन्होंने अपना आंगन को साफ सुथरा कर दी, जितना दूध दही को लेकर के दूर पर बैलगाड़ी को ऊपर रख दी, और कृष्ण को स्नान करा के उसको नीचे लेटा दी, क्योंकि अभी गोपियां आकर के नृत्य करेगी कीर्तन करेगी। लाला की अगर कच्चा नींद टूट जाए तो फिर रोएगा, फिर किसको लेना कुछ देना। जब उन्होंने लेटा करके सब गोपियां बैठ करके कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, गोकुल में आयो चंदन काला, गोकुल में आयो चंदन काला, अब गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, अखत रूपा का हुआ हुआ, अखत रूपा का हुआ हुआ, समझा भी सोचा हुआ, अरे समझा तो लाला, जियो लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, चल भर चल भर चल भर
जलेबी खावे लाटो अरे खीरी जलेबी खावे लाटो बुआ खीरी जलेबी खावे लाटो बुआ खीरी जलेबी खावे लाटो बुआ हंसो मत नरिया संग हुआ अरे हंसो मत नरिया संग हुआ जीव जीव श्यामला ला जीव जंगला बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण की भजन गा रही थी। इतने में कृष्ण की नींद खुल गई। बोले देखो मेरे मेरे को उद्देश्य करके ये कीर्तन हो रही है और देखो मेरे को कहां बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी। मैं तो यही आनंद लेने के लिए मैं गोलोक वृंदावन से आया हूँ। इच्छा हो रही है हम भी थोड़ा कीर्तन में जाए और कीर्तन का रस मैं भी थोड़ा लूं। लेकिन कृष्ण को तो अभी 3 महीना आज उसने करवट लिया, अभी उनको गुठन पर भी चलना नहीं आता। कृष्ण ने सोचा अगर मैं थोड़ी सी रोऊं हो सकता है मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दी। लेकिन रो रो करके तो कृष्ण थक गए। मैया तो लेन देन में लगी हुई थी, कीर्तन हो रहा था, मैया को कान में आवाज पड़ी नहीं। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने कंस को प्रेरणा दी और कंस ने एक दैत्य भेज दिया जिसका नाम था सकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था और एक दिन लोमहर्ष ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए उनके बाग बगीचा को एकदम तोड़न मोड़ कर दिए। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले इसलिए ठाकुर जी तुमको इतने मोटे छोटे बनाए संतों को बाग को उजाड़ने के लिए, मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, तुम्हारी ये शरीर ही नहीं रहेगा। देखा इतने में उसको शरीर तो गायब होने लग गई, सारे उसकी नशा उतर आए, चरण में गिर पड़े। बोले मेरे अपराध को माफ कर दो, अभी बता मुझे उधार कैसे होगी। बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे कृष्ण का चरण स्पर्श से तुमको मुक्ति मिलेगी। इतने में उसने आकर उसका शरीर था नहीं, उसने बैलगाड़ी के ऊपर सवार हो गया। सोचा धीरे 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 दबाते दबाते मैं ये बैलगाड़ी को दबा दूंगा, कृष्ण नीचे लेटे हुए एकदम पीस जाएंगे। कृष्ण अपना सुंदर सुंदर कोमल चरण को उन्होंने चलाना शुरू किया। करते करते उन्होंने ऐसे लात मारी, पूरा बेल गाड़ी पलट गई, दूध दही सबके सब तसनस हो गए, सारे ब्रजवासी भागते भागते गए। बोले आंधी तूफान है नहीं, पलटी तो पलटी कैसे। लेकिन कृष्ण का सखाओं ने देखा था, कृष्ण का चरण का स्पर्श से ही गाड़ी पलट गई। बच्चों ने तोतली तोतली बोली से बोलने के लिए कोशिश की लेकिन मैया ने विश्वास नहीं की। अभी मेरे लाला के बोले 3 महीना की और ये बैलगाड़ी थोड़ी पलटा सकती है। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर घर में कोई उत्सव हो तो क्या करनी चाहिए, भगवान को कभी उत्सव से अलग मत किया करो। भगवान कृष्ण को भी अपना एक परिवार मानो। इसलिए कृष्ण कहते हैं अगर मेरे को अपना घर की उत्सव से निकाल दोगे ना, कहते उत्सव, उत मतलब होता है निकाल देना। अगर किसी उत्सव से भगवान को निकाल दिया तो वो रह जाएगा सब, सब मतलब होता है मरा हुआ। इसलिए घर में कोई भी उत्सव हो पहले भगवान के लिए जो बनाते हो ठाकुर जी को भोग लगाओ। अपना ये साड़ी खरीदी करने से पहले देखो घर में ठाकुर जी के लिए कोई वस्त्र है कि नहीं। कभी कभी कहते नहीं ठाकुर का तो 10 सेट है। बोले अपना साड़ी देखो कितना, अपना घर में साड़ी देखो कितना रखा हुआ है। कोई अगर कोई त्योहार हो जाए ना, कोई उत्सव आ जाए
बोले नहीं, पति को बोले नहीं एक साड़ी चाहिए। अगर पति बोलेगा नहीं समय नहीं मेरे पास में, बोले पैसा मेरे को दे तो मैं खुद खरीद करके ले आऊंगा। लेकिन ठाकुर जी कभी कोई 5-10 दिन से एक वस्त्र पहन करके बैठे हुए, लेकिन ठाकुर जी एक वस्त्र में पहने हुए। लेकिन हम दिन में 2 बार कपड़ा बदलाते, कहते भैया ऐसे मत करो, भगवान को भी श्रृंगार करो, भगवान को भी सुंदर सजाओ। भगवान को जितने सुंदर श्रृंगार सजाएंगे हम खुद वैसे ही सज जाएंगे। अभी कृष्ण जब धीरे धीरे बड़े हुए, मैया यशोदा कृष्ण को एक दिन स्तन पान करा रही थी। स्तन पान कराते समय मैया बहुत डरी हुई थी। बोले क्यों? बोले पता नहीं ये बिना कारण के कारण ये दैत्य लोग मेरे लाला को पीछे हाथ धो करके पड़ गए। और कृष्ण आज इतने दूध पी रहे थे, इतने दूध कोई पी रहे थे, हर माताओं को पता है मेरे लाला कितना दूध पीने से पेट भर जाता है। अगर ज्यादा बच्चे दूध पी ले फिर पेट खराब हो जाता है। मैया तो डर रही थी लाला का पेट खराब नहीं हो जाए। इतने में कृष्ण थोड़ी सी जंभाई ली तो छोटी मुंह में विश्व ब्रह्मांड को दिखा दी। मैया तो डर गई, क्या मैं अलाई बलाई देख रही हूँ? मैया तो आंख बंद कर दी। फिर आंख खोल करके देखते हैं लाला की वही छोटा सा मुंह है। भगवान यहाँ पर मैया को 2 चीज सिखा दी। बोले मैया तो डर रहे हो, दैत्य लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, चिंता मत करो, मैं साधारण है ही नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक हूँ, ये दैत्य लोग मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज सिखा दी है, बोले मैया तू सोच रही थी लाला आज इतना दूध पी रहा है इसका पेट खराब नहीं हो जाए। मैया मेरे गर्भ के अंदर में देख ले, पेट में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, तेरे दूध से मैं अकेले नहीं पल रहा हूँ, ये विश्व ब्रह्मांड तेरे दूध से विश्व ब्रह्मांड पल रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा कृष्ण को जैसे माताएं छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पकड़ कर उछालते हैं ऊपर में फेंकते हैं, एक दिन मैया कन्हैया को ऐसे ऊपर में उछाल रही थी। कृष्ण सोच रहे हैं मैया क्या कर रही है, थोड़ी दूर मेरे को उछाल रही है, मैं तो चाहता हूँ कोई एरोप्लेन आ जाए बैठ करके थोड़ी सी मैं वृंदावन को दर्शन कर लूं, कुछ दिन बाद में घर घर में मक्खन चोरी करूंगा, अभी पता तो चले किधर जाए, किधर कोई पकड़ने के लिए आए, हम भागे किधर। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने कंस को प्रेरणा की, कंस ने एक तृणावर्त दैत्य को निकाला, वो आंधी तूफान रूप में आ गया। कृष्ण देखा मामा तो आ गए, अभी मेरे को ऊपर उड़ा करके ले जाएंगे, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन ये मैया कैसे बचेगी? इतने में कृष्ण अपना इतना भोजन बढ़ा दी, मैया तो गोद में पकड़ नहीं पाई, जैसे पत्थर का कोई चट्टान सा मैया ने रख लिया। इतने में तृणावर्त आया आंधी तूफान रूप में और कृष्ण को पकड़ करके उन्होंने ऊपर उठा करके ले गया। जब उठा करके ले गया पूरा कृष्ण वृंदावन घूम गए, हैं एरोप्लेन में बैठी करके पूरा वृंदावन घूम गए। अभी उनको लैंडिंग करना पड़ेगा, अभी कहीं से नीचे उतरे। बच्चों का एक स्वभाव है, ज्यादा ऊपर बच्चों को उछाल दो ना डर जाते हैं। इतने में कृष्ण उसको गले को पकड़ लिए और ऐसे गले को दबाए, तृणावर्त तो धड़ांग करके गिरा, पत्थर को ऊपर में एकदम चकनाचूर हो गया। मैया ने देखी मेरे लाला को तो यही सुलाया था, लाला गया कहाँ, लाला गया कहाँ। जैसे बछड़े चले जाने पर गैया जैसे भिलकती है, ऐसे ही मैया बड़ी दुखी हो रही थी। देखा कृष्ण दूर में पड़े हुए, एक राक्षस भी पड़ा हुआ है। फिर मैया जा करके लाला को वहां से उठा करके लाए, स्तन पान कराए और काला गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, राय नून की मंत्र करके उसको ऊपर में छिड़काव करवाए, लाला को स्तन पान कराए। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कभी कभी जो भगवान की भक्ति करते हैं इनकी जीवन में भी बड़ी बड़ी आंधी तूफान आ जाती है। जैसे हम भगवान की भजन कर रहे हैं, अगर कोई थोड़ी मोड़ी कोई दुख आ जाए ना, आप देखना खाना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहनना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ देंगे? माला छोड़ देंगे, भगवान की भजन छोड़ देंगे। बोले भगवान ने हमारे साथ में ऐसे किया है, हम इतने भगवान की भक्ति,
पूजा पाठ इतना करते हैं ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे व्यवहार किया, इसलिए कभी कभी आंधी तूफान जीवन में आ जाती है। देखो एक भक्तों का मैं कथा सुनाता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीवास पंडित। इनका एक ही बेटा इनके घर में था, एक लौता संतान, जिनके घर में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत आचार्य गदाधर ये लोग जिनके घर में भगवान स्वयं महाप्रभु कृष्ण बलदेव प्रभु राधा रानी स्वयं सदाशिव स्वयं जिनके घर में आकर के रात भर बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे महाप्रभु इनके घर में रात भर कीर्तन करते थे। एक दिन किया हुआ कीर्तन करते समय उनको एक लौता जो संतान उसने शरीर छोड़ दिया। अभी घर के जितने माताएं थी अभी तो रोने लग गए। अब श्रीवास पंडित महाप्रभु के साथ में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, उनने रोने धोने का आवाज सुन करके उनने प्रणाम किए। प्रणाम करते हुए गए देखे घर में रोना धोना क्यों, देखा उनको जो एक बेटा ने शरीर छोड़ दिया। श्रीवास पंडित बोले भैया तुम क्यों रो रहे हो, बोले तुम्हारा एक लौता संतान का शरीर छोड़ दिया। बोले उसने शरीर छोड़ा तो तुम क्यों रो रहे हो, बोले तुम्हारा एक अकेला बेटा था शरीर छोड़ दिया, रोएंगे नहीं। बोले ये बताओ ये बेटा किसने दिया है, बोले ठाकुर ने दिया। बोले लिया किसने, बोले ठाकुर ने लिया। बोले जब ठाकुर ने दिया और ठाकुर जी लिए तो फिर तो बीच में क्यों रो रहे हो। देखो उनकी कितने ऊंचे विचार है, दिया किसने ठाकुर लिया ठाकुर, जब दिया ठाकुर और लिया ठाकुर तो बीच में क्यों रो रहे हो। बोले ये बच्चे को एक दिन मरना पड़ेगा कि नहीं, बोले मरना पड़ेगा, आज हो 100 साल के बाद में हो। बोले जहां पर स्वयं ठाकुर जी भगवान कृष्ण स्वयं जहां पर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं अपना भक्तों को साथ में जा राधा रानी श्री बलदेव प्रभु और भगवान का कीर्तन सुनते सुनते बच्चा ने शरीर छोड़ा, ये ऐसे सौभाग्य किसको कभी मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ इसी समय अगर मेरे शरीर छूट जाए एक दिन तो मरना ही है। अगर भगवान को सामने कीर्तन सुनते सुनते शरीर छूटे वो तो सीधा ठाकुर के पास में जाएगा, खबरदार रोना धोना नहीं। भगवान स्वयं यहाँ पर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, अगर आप लोग रोओगे अगर महाप्रभु का कोई कीर्तन में भंग होगा ना, एक बेटा तो गया मैं भी गले में रस्सी बांध करके पत्थर में मैं भी गंगा में डूब पड़ूंगा, इसलिए एकदम रोना नहीं, चुप बैठो सबके सब। इतने में उन्होंने प्रणाम करके फिर आए, पहले जितने खुश होकर के नृत्य कर रहे थे अभी उससे भी ज्यादा खुश होकर के छलांग छलांग करके नाच नाच कर कीर्तन कर रहे थे। भगवान तो सब जानते हैं, बोले आज लगता है ये श्रीवास जी का घर में कोई अमंगल कोई अनहोनी हुआ है। श्रीवास पंडित तो छलांग लगा दिए,
बोले प्रभु आप क्या बोल रहे हो, जहां पर आप साक्षात हो वहां पर कभी कोई अमंगल हो सकता है, कोई अमंगल हो सकता है। किसी भक्त ने कहा प्रभु श्रीवास पंडित का जो अकेला बेटा था ना, वो अकेला बेटा ने शरीर छोड़ दिया है। महाप्रभु तो रो पड़े, बोले बेटा शरीर छोड़ गया, मैं यहाँ कीर्तन कर रहा हूँ, बेटा ने शरीर छोड़ दिए और कोई दुख नहीं, वो तो नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। तो महाप्रभु रोने लग गए, बोले भैया ऐसे भक्तों का मैं संग कैसे परित्याग करूंगा। बोले चलो हम चलते हैं। वहां पर गए, देखा सफेद कपड़ा ओढ़ा हुआ था वो फैन, जब महाप्रभु उसको छाती पर हाथ रखना, वो बेटा दो बार जिंदा हो गया, वो बेटा ने दो बार जिंदा हो गया। महाप्रभु उससे बात कर रहे हैं, बोले बेटा तुमने कहाँ चला गया। बोले ठाकुर जी आपने जहाँ भेज दिया वहीं पर गया, मैं तो बड़ा सौभाग्यवान हूँ जो कि तुम्हारी भक्तों को घर में जन्म लिया, बचपन से तुम्हारी कीर्तन तुम्हारी दर्शन किया, ऐसे सौभाग्य किसी को कभी होगा। और आप साक्षात जहां पर विद्यमान, वैकुंठ पति जहां पर विद्यमान, आपकी कीर्तन सुनते सुनते गया, एक दिन तो जाना ही पड़ता, लेकिन प्रभु मैं अपने जहां पर भेजा है ना मेरे को, मैं बहुत खुश हूं वहां पर, मैं बहुत खुश हूं जहां पर भेजा है। इतने में महाप्रभु उनका परिवारों को बोले अभी बताओ ये बच्चे को जिंदा कर दे, जिंदा तो हो क्या बात कर रहे, उसको मैं पूरा जिंदा कर दूं। बोले प्रभु वो खुद कह रहा है मैं जहां पर मैं ठीक ठाक हूं, वो कह रहा है प्रभु जी जगत में कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर तो एक धर्मशाला है, जैसे धर्मशाला में हम रुकते हैं, अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग आते हैं, रात को बैठ करके खाते पीते और बात करते हैं, तुम कहाँ से। बोले कालकाटा। बोले तू बम्बे, तू माड्रास। रात को खूब तो गप्पे मारते हैं और सवेरे होते बस अपना अपना घर वापस चले जाते हैं। प्रभु ये संसार का धर्मशाला है, ये धर्मशाला की परिचय है, अगर पिता माता रहते रहते बच्चे को अगर समय आ जाए वो वहीं से उसको उतरना पड़ेगा, कोई उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मैं तो बड़ा सौभाग्यवान था, तेरे भक्तों घर में जन्म लिया, तुम्हारी दर्शन तुम्हारी कीर्तन सुनते सुनते गया, मैं ठीक ठाक हूँ। जब बोले बच्चे को जिंदा कर दो, बोले जरूरत नहीं, वो जो स्वयं बोलता है मैं बढ़िया जगह में हूँ और संसार में कोई किसी का नहीं, फिर भुला करके क्या लाभ है। हाँ देखो कभी कभी भक्ति करते करते जीवन में कभी कभी आंधी तूफान आ जाती है, कहते भैया भगवान को भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देनी चाहिए, वो जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण कहो, भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखे उसी में खुश रहकर क्या करो, भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की भजन करते रहो। इसलिए जीवन में कभी कभी तृणा वर्ता आ जाती है जीवन में, लेकिन कभी दुनिया भले ही छूट जाए भगवान की भजन कभी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति ही हमारे साथ में जाने वाले हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी कृष्ण धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो रहे हैं, अभी जिसकी मन में जो इच्छा होता है ना, जैसे छोटा बच्चा हो जिसकी मन में जो इच्छा होता है वो इसे बच्चे को बुलाते रहते हैं। अभी कृष्ण का कोई नामकरण नहीं हुआ, एक दिन गर्गाचार्य को श्री वसुदेव महाराज बुलाए, बोले हे वसुदेव जी आप तो त्रिकाल दृष्टा ऋषि हो, आप सब कुछ जानते हो, ये कृष्ण मेरा लाला है, मैंने राता रात लेकर के गोकुल में रख करके आ गया, लेकिन नंद बाबा क्या सोच रहे हैं ये लाला मेरा है, वसुदेव महाराज क्या सोच रहे हैं लाला मेरा है, कल सुन रहे थे ना ये नंद का भी लाला ये वसुदेव का, दोनों कहीं बच्चे हैं, क्योंकि कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं लेकिन गोकुल में कृष्ण जन्म हुए हैं, गोकुल में कृष्ण जन्म हुए, ये दोनों का ही बेटे हैं ठाकुर जी, दोनों का नहीं विश्व ब्रह्मांड के बेटे ठाकुर जी है। ए बच्चों पीछे जो खेलने वाले, नहीं खेलना चुप जाओ, बाहर जाकर खेलो, जाओ जा बाहर जाकर खेलो, नहीं तो चुपचाप यहां पर बैठो। इसलिए अभी गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं जब अगर नंद बाबा बच्चे का नामकरण कर देते हैं, एक बार नामकरण हो जाए जिस नाम पर जिंदगी भर उसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये पहले नियम होता था जो बच्चे का नामकरण करते थे ऐसे नहीं
मुंह में जो आ जाए टुल्लू भुल्लू टिंकी फिंकी, पहले ऐसे नहीं रखते थे, पहले ज्योतिष को बुलाते थे, उसका जन्म नक्षत्र देखते थे, अक्षर निकाल करके फिर बच्चे का कोई ठाकुर का कोई भगवान का नामकरण कराते थे। और ऐसे नामकरण करते थे, जो बेटा बेटा कौन होता है जो हमारी परंपरा को रक्षा करता है, ऐसे नाम होता था जिसका नाम उसको पिता और उसको पिताजी का साथ नाम में जुड़े हुए, जैसे भगवान राम है। अब लोग बताओ राम का पिताजी का नाम क्या था, बोलो जोर से, दशरथ। इसलिए देखो नाम कैसे होता था, राम है ना, दस र, जो र अक्षर है इसको कहां से लिया, दशरथ से ही र अक्षर लिया। और उनको पिताजी का नाम क्या था, दशरथ महाराज का पिताजी का उसका नाम था अज, वहां से लिया अ, तब भगवान का नाम पड़ा राम। जैसे कृष्ण है, नंद बाबा का श्री कृष्ण का पिताजी का नाम नंद, उसमें जो न है जो न अक्षर वहां से लिया। और उनको पिताजी का नाम था परजन्य बाबा, वहां से लिया, जो क्री में जो री मात्रा है वो परजन्य बाबा से लिया र, फिर इनका नाम हुआ कृष्ण। जब पहले नाम करते थे वो ऐसे नाम को देख करके नाम करते थे, मनमानी ढंग से नाम नहीं करते थे। और एक चीज समझो, हम लोगों को पता है जब बच्चों की शादी होती है, बेटी और बेटा को जन्म पत्र देखते हैं ना, उसका जन्म पत्र देखते हैं, उसमें पत्रिका मिलाते हैं, मिलता कि नहीं है, अगर नहीं मिलता तो फिर शादी नहीं कराते हैं। पता है फिर घर संसार इनका नहीं बैठेगा, ये जिंदगी भर फिर दोनों आपस में लड़ेंगे, फिर घर संसार नहीं बैठेगा। इसलिए पहले इस विचार को करते हुए शादी करते थे, तब भी कभी डाइवोर्स कभी नहीं होता था, लेकिन अभी मनमानी मर्जी से शादी करेंगे हैं, इसलिए तरह तरह का ये डाइवोर्स फाइवर्स उल्टा पुल्टा जितना होता है, कारण यही है हम लोग उस चुके शास्त्र का निर्देश को हम मान नहीं रहे हैं, इसलिए ये जितने सारी गड़बड़ी सड़बड़ी हो रही है। इसलिए एक दिन श्री वसुदेव महाराज गर्गाचार्य को बुलाए, बोले हे गर्गाचार्य जी, आप तो त्रिकाल दृष्टा ऋषि हो, आप तो सब जानते हो, कृष्ण मेरे लाला है, अब एक बार श्री गोकुल में जाओ, मेरे लाला का नामकरण करके आओ, और ऐसे एक नामकरण करो जो मेरे नाम को साथ में उसका नाम मिलता हुआ हो। गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है भगवान का नामकरण करेंगे, अभी ठाकुर जी छोटे बच्चे हैं, अभी नन्हे नन्हे उनकी चरण और हाथ है। आप देखना जब किसी छोटे बच्चे को गोद में लेते हो, नमर उसको कितना कोमल हाथ और प्यार होता है, दाढ़ी पकड़ता है, कपड़ा खींचता है बच्चा, और किसको गोद में लेना, ठाकुर जी को, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिनको तपस्या करते हुए जिनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, आज वो ठाकुर जी को मैं गोद में लेकर के मैं नामकरण करूंगा, मेरे कितने भाग्य है। गर्गाचार्य प्रसन्न होकर के गोकुल में आए, नंद बाबा का घर में, और नंद बाबा जब श्री गर्गाचार्य को देखे, बोले महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्रसाय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित। आज तो मेरे भाग्य जग गया है, क्यों, आज घर में संत लोग आए हैं, जब घर में संत लोग आते हैं, घर में जब हरि कीर्तन हो हरि चर्चा हो, कहते तो वो घर नहीं रह जाता है, वो तो भगवान का धाम बन जाता है, भगवान की धाम बन जाता है। नियम है घर में भक्तों को बुलाओ, घर में ठाकुर का कीर्तन करवाओ, ठाकुर जी की घर में सत्संग हो, फिर घर पवित्र रहता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य का चीज वस्तु है, अभी घर में हमारे कोई अतिथि नहीं आती है, जुआरी शराबी आते हैं, उनको ही हम आदर देते हैं, लेकिन घर में संतों को बुला कर हरि कीर्तन नहीं कराते, उल्टा पुल्टा लोगों को बुला करके घर में हैं शराबी जुआरी को बुला कर घर में बैठाएंगे, लेकिन घर में भक्तों को बुला करके हरि कीर्तन नहीं कराते, फिर कल्याण कैसे होगा। इसलिए श्री नंद बाबा कह रहे हैं आज तो मेरे भाग्य जग गया है, बोले संत घर में क्यों आते हैं, बोले इसलिए संत लोग आते हैं, बोले तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानी, कद इनके हृदय में भगवान का निवास है, जब घर में आए उनके चरण धूल पड़े, घर का जितने अमंगल भाग जाती है, घर में शांति और सुख बनी रहती है,
इसलिए घर में संत आते हैं तो उन्होंने उनको बैठा करके चरण धोए, उनकी चरणामृत लिए और उन्हें खुद खुद बोल पड़ी, जब आप कृपा करके आए हो हमारी लाला को थोड़ा नामकरण करवा दियो, वो तो इसलिए आए थे। बोले ले आओ दोनों बच्चों को, ले आओ। अभी रोहिणी और जसोदा दोनों बच्चों को लेकर के आए, लेकिन इतने में क्या हुआ, रोहिणी ने तो कन्हैया को ले ले और जो जसोदा ना उन्होंने ले लिया दाऊ भैया, है ये उन्होंने उल्टा करके पढ़ लिया, क्योंकि दोनों माता ये नहीं सोचते थे, मैया जसोदा ये नहीं सोचती थी मेरे एक लाला, वो सोचते मेरे दो लाला है, रोहिणी ये नहीं सोचती थी मेरे एक लाला दाऊ भैया, बोले नहीं मेरे दो लाला है। जो बच्चे दूर से आते थे ना वो ये नहीं सोचते थे कृष्ण, ये नहीं सोचते थे मैया जसोदा की गोद बैठ कर दूध पिए, नहीं अगर रोहिणी आ गई तो उसकी गोद में बैठ कर दूध पी लेते थे, इसलिए दोनों मैया को लगता था हमारे दो दो लाला और दोनों लाला में कोई फर्क नहीं दिखते थे, इसलिए उन्होंने उल्टा नाम को लेकर के आए। जब लेकर के आए और एक था वो परीक्षा करने के लिए आए, सचमुच से ये ऋषि सब जानते कि नहीं, अगर सही चीज को तो अगर पहचान जाए ना किसकी लाला कौन है फिर तो भाई समझेंगे बड़े ज्योतिषी है, इसलिए उन्होंने बड़े बच्चा का नामकरण करेंगे। इतने में लेकिन जो बड़ा बेटा श्री जसोदा की गोद में बैठा हुआ था, तब श्री गर्गाचार्य ध्यान लगाए, वो त्रिकाल दृष्टा ऋषि अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिए, देख करके कहते हैं बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, उन्होंने सीधा जसोदा की गोद में हाथ पांव दिखाए, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तुम्हारी बेटा नहीं, ये रोहिणी का बेटा। देखो कोई ज्योतिष अगर आए एक दो बात अगर सही बोल दिया ना, अरे भैया ज्योतिष सब जानता है, ये सब जानता है, भले ही बात में जो कुछ बात बोले एक दो बात पहले अगर सही बोल दिया ना, समझ जाते ही ज्योतिष बड़ा विद्वान है ज्योतिष, जो बोल दिया अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का बेटा, बोले भैया ज्योतिष को कैसे पता चला ये रोहिणी का बेटा, हम तो उल्टा बेटे को लेकर बैठे हुए, इसको पता कैसे चला अयम ही रोहिणी पुत्र, बोले भैया ज्योतिष पक्को ज्योतिष है, ये ज्योतिष पक्का ज्योतिष है, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृद गुण, कभी ये सबका आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इनका नाम होगा राम। बोले बलाधिक्यात बलम विदु, लेकिन ये बड़ा बलवान होगा इसलिए इसका नाम होगा बल राम होगा, लेकिन इसका एक नाम होगा शंकर सन। बोले क्यों, पहले तो ये देवी के गर्भ में आई और जोग माया इनकी गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन की, अगर कभी जद्दू वंश गोप वंश में कोई विषय को लेकर लड़ाई हो जाए ना, ये बच्चा दोनों में लड़ाई करने नहीं देगा, दोनों को सामंजस्य करते हुए सबको एक कठे रखेगा, इसलिए इसका दो नाम होगा, एक होगा बलराम नाम होगा और एक इनका नाम शंकरसन होगा। बोले श्री दाऊ भैया की जय। बोले छोटे लाला का नामकरण करेंगे, गर्गाचार्य जी ध्यान लगाए ये बच्चा कौन है, ध्यान लगाए तो इनकी ध्यान पूरी लग गई, वो आंख ही नहीं खोल रहे थे, बोले क्यों, जब उन्हें ध्यान लगाए तो त्रिकाल दृष्टा ऋषि विश्व ब्रह्मांड को उन्हें दर्शन किए। बोले भैया जिसका एक दो नाम हो कोई फिर नाम रख लो, विश्व ब्रह्मांड में जितने नाम है ना सब इनके नाम है, सारे इनके नाम, हमारे संत लोग तो ठाकुर जी का नाम को दे दे करके बड़े सुंदर करते हैं। देखो बोले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिव Yeah.
ठाकुर जी की अनंत नाम ठाकुर जी की गर्गाचार्य देखा भैया विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, इनकी हरि अनंत हरि कथा अनंत, इनका अगर 10-20 कोई नाम हो तो रख ले, सारा दुनिया की नाम इनका ही है। वो तो चक्कर में पड़ गए भैया नाम रखो तो नाम क्या रखो, इसलिए आंख बंद करके वो आंखें नहीं खोल रहे थे। इतने में नंद बाबा ने गर्गाचार्य को हाथ पकड़ कर हिलाए, बोले गर्गाचार्य बताओ ना लाला का नाम क्या होगा। तब श्री गर्गाचार्य कहते हैं बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य गृह्णोत अनुजुगं तनो शुक्ल रक्तस्तीत इदानी कृष्णताम गत। बोले हे नंद बाबा, तुम्हारा ये जो लाला है ये हर युग युग में आता है, ये सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेता युग में रक्त धारण करके आया था, और कलि युग में ये सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप धाम में विश्व ब्रह्मांड को हरि कीर्तन के द्वारा विश्व ब्रह्मांड को डुबाएंगे। और इदानी कृष्ण तामगत, अभी ये कृष्ण रूप धारण करते हुए आए, इसलिए इनका नाम कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले भैया ये कृष्ण नाम क्यों रखे, हम लोग कृष्ण नाम सोचते हैं शायद काले, जैसे काले क्या कोलतार जैसे काले हैं, बोले ऐसे नहीं ठाकुर जी, कोलतार जैसे काले नहीं। इनके लिए उदाहरण दिया है, कहते नव जलत धर श्याम भगवान की, जैसे मेघ जब इकट्ठा हो जाता है जैसे उनका रंग होता है, इनका रंग वैसे ही इनका रंग है, इसलिए जल का एक नाम है कृपा, जल का एक नाम है कृपा है। मतलब कृपा जब घनीभूत अवस्था धारण करता है, मतलब कृष्ण कौन है, बोले हे कृष्ण करुणा सिंधो, कृष्ण कृपा की समुद्र है। बोले काले क्यों, बोले बहुत सारे रंग मिलाओ देखना अलग 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 रंग दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ा काला रंग मिला तो देखना सारे रंग को ढक करके कालाई कर देता है। अगर कृष्ण रंग में एक बार कोई डूब जाए ना, कहते ना कृष्ण रंग में जो एक बार डूब जाए चढ़े ना दूजा रंग, उसको ऊपर में कोई दूसरे रंग ही नहीं चढ़ता है, हैं? इसलिए इनका नाम कृष्ण नाम रखे। बोले हे नंद बाबा, तेरा जो बच्चा है ना, बोले बहुनी संति नामानी है, इनकी बहुत सारे नाम हैं और इनकी बहुत सारे रूप, कभी मत्स्य कभी नरसिंह कभी कुरुमा, अलग अलग अवतार धारण करके आते हैं और इनकी रूप लीला भी बहुत है और जिनकी महिमा स्वयं वेद भी जिनकी महिमा को था नहीं पा, इतने तेरे बेटे की महिमा इसी जगत में, जब जब जगत में कहते ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर अद्भुतान अधर्मस्य तदात्मान सजाम्यहम्। जब जब इसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, गो स्त्री को ऊपर में अत्याचार होने लगता है, तब तक तुम्हारी बेटा जन्म ग्रहण करके दुष्टों को विनाश करता है, संतों को पालन करता है। और कभी सत्य युग में कभी अकाल पड़ गया, तेरे बेटा आ करके सारे दुख दारिद्र को दूर किया, ये युग युग में ये अवतीर्ण होता है। जब उन्हें बड़ी बड़ी घर में बहू आ जाए ना, फिर सारे काम को बहू संभाल लेती है, फिर माताओं को थोड़ा विश्राम मिलती, और ये बुढ़ापा अवस्था में कृष्ण जन्म हुए, मैया सोच रही है कब तक मैं घर का काम काज करूं, ज्योतिष तो ये बताए घर में बेटा कब बड़ा हो जाएगा, शादी कब होगी और कितने बहुएं आएगी, ये बात तो बताए। इतने में मैया तो बड़ी भोली भाली सीधी शादी,
वो ज्योति से एक बात बता रहे थे, लेकिन ये मैया तो अपना मन मन में एक अर्थ लगा रही थी। देखो एक श्लोक का दो अर्थ कैसे होता है। वो कह रहे हैं बहुनी संति नामानी, बहुनी संति नामानी, तेरे जो बेटा है अनंत नाम है। लेकिन मैया क्या लगा रही थी, शायद ज्योतिषी ने बहुनी तेरे बेटा का बहुत सारी बहुएं होगी। मैया तो खुश हो गए, बोले अच्छी बात है, जितना बहु होगी उतना तो सास की सेवा करेगी। सचमुच से कृष्ण जब वृंदावन में थे, रानी थी विशाखा, चंपकलता, तुंगभद्रा, सुचित्रा, कितने सारे उनकी सखियां हैं। जब कृष्ण रास रचाए 70 करोड़ गोपियों के साथ में, तो कृष्ण रास रचाए। फिर कृष्ण जब द्वारका जाए तो बीच में फंस गया, क्यों? उनको पता है कृष्ण विश्व ब्रह्मांड का मालिक है और इसको मेरे चरण में लेटा दी। लेकिन ऊपर ऊपर से उन्होंने आशीर्वाद दिए और मैया ने बड़ा सुंदर उनको दक्षिणा दिए और प्रसन्न होकर के गर्गाचार्य जब चले गए और जितने गोपियां मैया से पूछे ज्योतिष ने लाला का नाम क्या रखा, बोले बड़ा बेटा का नाम तो बलराम रखा और छोटा बेटा का नाम कृष्ण रखा। बोले नाम तो बड़े अच्छे है, लेकिन ये जब कृष्ण नाम जब तक तो जीवा 3 बार पलट नहीं जाए तब तक तो जीवा से कृष्ण नाम नहीं उच्चारण होता है। बोले कोई बात नहीं, ये नाम तो पंचांग में रहने दो, लेकिन हम घर में अलग नाम से उनको बुलाया करेंगे। बोले कौन सा नाम है, बोले कन्नुआ और बलुआ। छोटा बेटे का नाम कन्नुआ और बड़ा बेटे का नाम बलुआ, इसी नाम से उनको बुलाया करेंगे। बोले श्री कन्नुआ बलुआ की जय। अभी कृष्ण जब धीरे 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 बड़े हो रहे थे, एक दिन मैया यशोदा कृष्ण को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, नहा धोकर कृष्ण बलराम को श्रृंगार की। बोले तुम दोनों भैया खेलो, मैं घर का काम काज करती हूँ। बलराम सोच रहे हैं जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए ना, पता नहीं ये मैया हमको गोबर और गो रज से गोमूत्र से स्नान कराती है। भैया इसमें क्या चीज है, क्यों मैया हमको गोबर गोमूत्र गो रज से तिलक लगाती, क्या वहीं पर गैया बंधे हुए थे? बोले चलो हम दोनों भैया आज गोबर और गोमूत्र लगाएंगे। और दोनों भैया गए, जितने गोबर और गोमूत्र कीचड़ था और अभी अभी तुमने बिगाड़ दिया, दोनों को कान पकड़ लिया। पकड़ करके मैया कहती, क्यों तू हम सुकर असी गत पुतना रे, हे पुतना के अरि शत्रु, क्या तुम दोनों पूर्व जन्म में सुअर थे? ये सुअर ही तो जमीनी में लौट पट खाते है ना, क्या सुअर थे? इतने में कृष्ण अपना सर हिला रहे थे। बोले मैया हम तो पहले सुअर थे, लेकिन तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि भगवान सत्य युग में बराह अवतार में आए थे, पृथ्वी को उद्धार किया था ये सुअर अवतार में। अभी फिर मैया दोनों बच्चों को स्नान करा के सुंदर उनको श्रृंगार की। आज भगवान ने शिक्षा दिया कि जो गोबर ये जो गोमूत्र है ना, ये पवित्र। अब लोग हम लोग के हिंदू है, देखना ये गोबर गोमूत्र से घर को हम साफ सुथरा करते हैं। मरने के बाद गोमूत्र गोबर से छिड़काव करते हैं। पहले क्या होता था, गोबर से घर को लिपापोता घर में करते थे। एक समय किसी गांव में कहीं एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, लेकिन सबके सब मरे, लेकिन एक घर का लोग कुछ नहीं हुए। साइंटिस्टों ने देखा कुछ क्यों नहीं हुए, देखे गैया पाले हुए थे, चारों तरफ में गोबर पड़ा हुआ था और पूरा घर गोबर से पुता हुआ था, पूरा घर गोबर से पुता हुआ, इसलिए घर को कुछ नहीं हानि नहीं। इसलिए पहले, अभी लोग इतने बीमारी क्यों होते हैं, तरह तरह का बीमारी क्यों? पहले जो चीज हम लोग कोई गांव के हो गए ना, देखना गोबर से घर लिपा पोता करते थे कि नहीं घर को, इसलिए घर शुद्ध रहता था और शरीर में इतने बीमारी नहीं आती थी शरीर में। इसलिए आज भगवान ये गोमूत्र की महिमा को ठाकुर जी दिखाने के लिए ठाकुर जी ये लीला ठाकुर जी किए हैं। अभी जब कृष्ण थोड़ी से बड़े हो गए, अभी सोच रहे हैं जो कोई आते हैं ना, वो सबके सब एक चीज को प्रार्थना करते हैं, बोले राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिली जाए। प्रभु जी गा लेंगे भजन को, प्रभु जी राधे भजन गा लेंगे। श्री राधे और
भी कौन तपस्या की, तीन लोग की तारण तर सो तेरे राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग दूरी जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की,
विशेष करके दो चीज की प्रार्थना करते हैं। सखान कहते हैं, मैं रामायण रेती लेट और नहीं कियो ना जमुना पान। इसलिए कहते ब्रज में आकर के सबसे पहले तो रामायण रेती में अपना हृदय को ही ये वृंदावन धाम रूप में प्रकाशित किया। इसलिए ये वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं, राधा रानी की ये हृदय। इसलिए सब कृष्ण सोच रहे हैं, जो कोई आए सबके सब ब्रज रज के लिए प्रार्थना करते हैं। भैया ये ब्रज रज में है क्या चीज, क्यों ये सबके सब प्रार्थना करते हैं। कृष्ण एक दिन सोचा, एक दिन ब्रज रज को आस्वादन करके देखता हूँ। कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते कृष्ण ने मिट्टी खाना शुरू की। सखाने का कन्या पेट खराब हो जाएगा, मिट्टी मत खाया करो। लेकिन कृष्ण किसका बात ही नहीं सुने, खाते ही जा रहे। सखाओं ने जाकर के मैया से शिकायत कर दी, मैया आज लाला इतना मिट्टी खा रहा है, इतने मिट्टी खा रहा है, किसका बात नहीं सुन रहा है। मैया देखा तक तो मक्खन चोरी करके खाता था, अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया।
मैया तो हाथ में लठिया लेकर के आ गई और सीधा कान को पकड़ी और कहने कान, बोले क्यों रे चोर चोटे हैं, क्यों रे झूठे तुम अपवित्र। बोले जिनका नाम लेते ही जीव पवित्र हो जाते हैं, मैया कहते तू अपवित्र। बोले तुमने आज मिट्टी खाई, तुमने कृष्ण तो सफेद झूठ बोल दिए। बोले ना अहम भक्षितवानं भो सर्वे मिथ्या विसंसिनम। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सबके सब झूठ बोल रहे हैं। बोले तू एक हरिश्चंद्र है सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो सबके सब झूठे। बोले हाँ मैया। बोले दाऊ तो कभी झूठ बोलते नहीं। बोले दाऊ तुम सच सत्य बताओ, कृष्ण मिट्टी खाएगी नहीं? बलदेव प्रभु गवाह दे दिए। बोले मैया अपना आंखों से देखा कृष्ण को मिट्टी खाते हुए, अभी कृष्ण जाए कहाँ। बोले मैया ये दाऊ भैया ऊपर में देखने में तो लगते हैं गोरे, लेकिन अंदर में बड़े कारो हैं, लेकिन ऊपर में तो काला हूँ लेकिन मैया अंदर में बड़े गोरो हूँ। यहाँ पर कृष्ण एक तत्व की बात कहते हैं। आप लोग वृंदावन में कभी जाओ आप देखना, कहीं भी बलदेव प्रभु गोरे नहीं देखोगे, सब बलदेव प्रभु काले ही काले देखोगे। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब ब्रज में आए द्वारका से, अब ब्रज जब उन्होंने कृष्ण गोपियों के साथ में रास की, कृष्ण चिंतन करते 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 कृष्ण देह में ये काले बन गए इसी बलदेव प्रभु। इसलिए कहते हैं ऊपर में तो ये गोरे हैं लेकिन अंदर में काले, क्योंकि कृष्ण को चिंतन करती हैं, लेकिन बलदेव प्रभु ऊपर में कृष्ण तो ऊपर काले लेकिन अंदर में गोरे, क्योंकि कहते आत्मा तू राधिका है, वो कृष्ण का आत्मा कौन? पर श्रीमती राधा रानी, इसलिए वो अंत मेरे श्री राधा रानी को याद करते हैं, इसलिए कहते मैं अंदर में गोरो हूं। बोले ये सखा क्या सबके सब झूठ बोलते हैं? बोले मैया आज कहा भयो तेरे को पता है? बोले कहा भयो? बोले ये सखा लोग अपना अपना घर से लड्डू कचौड़ी मिठाई सब चोरी चोरी करके लाते हैं और मेरे को कहते तू खाया कर। मैया तेरे को पता है मैं कभी तो चोरी का चीज खाता ही नहीं। बोले मैया बोली अच्छे तरह से पता तू क्या करता नहीं करता है, चोरी का चीज खाता ही नहीं। अरे मैंने नहीं खाया, ये तो समझ गए कृष्ण चोरी का चीज खाया नहीं, घर में चुगली कर देगा। और मैं चुगली इनके नाम पर करने से पहले मेरे नाम पर चुगली कर दी, और तुम इनको बात सुनो तो मेरी बात तो सुनती नहीं है, नहीं सुनती। कृष्ण ने सोचा अगर मैं बोल दूं मैया मैंने मिट्टी खाया तो मुंह से खाया तो मैं मुंह खोल कर देख लू, हो सकता है मैया मान जाए। लेकिन मैया कहां मानने वाली मैया, इतने में तो मैया ने बड़े जोर से मैया ने डांट लगाई। बोले मैं तेरा मुंह देखना चाहता हूँ तो मुंह खोल कर दिखा दे। एक धमकी दिया ना डर के मारे तो कृष्ण का मुंह खुल गया, खुल गया तो सचमुच से कृष्ण के मुंह में मिट्टी है, मिट्टी तो कृष्ण के मुंह में है। लेकिन कृष्ण की एक इच्छा शक्ति जोग माया ने ये भगवान के सारे लीलाओं को ये जोग माया कराती है। इतने में जोग माया ने किया कि कृष्ण की छोटी सी मुंह में ये अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया, कितने ब्रह्मा कितने शंकर कितने इंद्र चंद्र, छोटी सी मुंह में विश्व ब्रह्मांड देख लिया। मैया खुद को खुद अंदर में देख रही थी, इतने में मैया डर गई। बोले मैं क्या अलाई बलाई देख रही हूँ? उसने में मैया तो आंख बंद कर दी, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड तो ठाकुर जी के मुंह का अंदर में रहता है। जब मैया ने सोचा ये तो भगवान नहीं, कृष्ण डर गए। बोले क्यों डर गए? अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, जैसे घर में सालग्राम के लिए छोटी सी मंदिर रखे हुए और वहाँ ठाकुर जी को कहीं बातासा थोड़ी दूध भोग लगा देती है घंटा हिला करके, तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव, ऐसे ही मैया मेरे लिए भी एक छोटी सी मंदिर बना करके मेरे को घर में बंद कर देगी, थोड़ा दूध नहीं तो बातासा भोग लगा देगी। पर मैं जो सखाओं को साथ में इतने लीला करता हूँ पर लीला नहीं हो पाएगा, इतने में तो कृष्ण डर गए। जब कृष्ण डर गए इतने में इनकी इच्छा शक्ति जोग माया ने किया कि जो भगवान के अंदर में ये विश्व ब्रह्मांड दिखा रही थी ये सब के सब कहीं अंतर ध्यान हो गया और देखा मैया ने वही छोटी सी मुंह और कुछ ही नहीं। हाँ देखो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दिया है। आप लोग ये बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं? बोलो कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं? खाए थे ना, तो फिर कृष्ण झूठ क्यों बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई?
दुनिया बोलेंगे कृष्ण जब झूठ बोलते कोई दोष नहीं, जब हम झूठ बोले हमारी दोष है, लोग यही बोलेंगे ना, भगवान ऊपर दोष लोग लगाएंगे। इसलिए श्री वल्लभाचार्य एक टीकाकार हुए, बहुत बड़े संत है, वो कहते भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। क्यों? अगर भगवान झूठ बोल दिया ना, ये दुनिया ही झूठा हो जाएगा। इसलिए भागवत का जो प्रथम श्लोक है कहते सत्यंग परम धीमहि, जो परम सत्य श्री भगवान को हम ध्यान करते हैं। और जब मातृ गर्भ में कृष्ण आए, 33 करोड़ देवता इकट्ठे होकर के स्तुति कर रहे थे, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य। ये 33 करोड़ देवता कह रहे, बोले हे प्रभु आपका व्रत सत्य है, आपका धाम सत्य हो, पहले सत्य थे, अभी भी सत्य, बाद में भी सनातन रहेगा आप, त्रिकाल सत्य आप सनातन हो। वो कौन कह रहे हैं? 33 करोड़ देवता ठाकुर जी को कह रहे हैं। अगर सारे देवता सत्य सत्य बोल रहे हैं तो ठाकुर जी झूठा कैसे बोल सकते हैं? तब वल्लभाचार्य जी ने उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाए भगवान कैसे झूठ नहीं बोले। ये चीज को आप लोग समझो। खाना किसको कहते हैं? जब हमसे कोई वस्तु अलग हो तब जब खाए ना उसको खाना कहते हैं। इसलिए कृष्ण ने ये विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। मैंने कब खाया ये विश्व ब्रह्मांड? तो मेरे उदर को अंदर में ही विद्यमान है, फिर मैंने खाया कब? ये एक कारण बताए। दूसरा कारण बताए, ये शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं होता है ना अहम, मतलब मैं नहीं आई। लेकिन इसको जब अलग कर, नहीं करके उसको एक कर देते हैं, वो शब्द होता है नाहम। नाहम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले मैया तो मिट्टी की क्या बात करती हो, ये विश्व ब्रह्मांड मैंने खा करके रखा, तेरे को विश्वास नहीं हो रही है? देख ले, उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को भगवान ने दिखा दिया। इसलिए वल्लभाचार्य कहते भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अभी प्रश्न होता है ठाकुर मिट्टी खाए तो क्यों खाए, इसका क्या रहस्य है? टीकाकार लोग कहते हैं भगवान पहले भगवान यहाँ पर दिखाए, बोले माँ तू ये सोच रहे हो ये मिट्टी खाया? मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, देख ले ये जो ये सबके सब ब्रज रज के लिए तरसते हैं। हम आगे सुनेंगे जब उद्धव जी ब्रज में आए, जब उनने ब्रजवासियों को प्रेम को देखा और विशेष करके नंद बाबा मैया जसोदा की प्रेम देखे, कैसे मैया जसोदा बेहोश होकर पड़ी हुई, बोले जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं आंख नहीं खोलूंगी। उनकी आंखों से अश्रु की धारा ऐसे बह रही थी, वो यमुना में जाकर के मिल रहा था। देखा ब्रज गोपिया कैसे कृष्ण प्रेम में मूर्छित होकर पड़ी हुई, कोयल कूकती नहीं, मयूर केका नहीं करते, बछड़े दूध नहीं पीते, गैया कृष्ण विरह में घास नहीं खा रहे थे। और जब श्री राधा रानी का प्रेम को देखा, कैसे राधा रानी को एक कमल फूल की सज्जा के ऊपर लेटा करके रखे और राधा रानी कृष्ण विरह में ऐसे तड़फड़ा रही थी, शरीर में जो अगुर कर्पूर चंदन को लगा कर रखे थे वो मिनट में चुर चुर हो रहा था। कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बन करके राधा जी की चरण में बैठना चाहते थे और राधा रानी जो उनको टेढ़ी मेढ़ी जो बात कर रहे थे ना, जिसको सुन करके उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी चकाचौंध हो गई। और उद्धव जी क्या कहते हैं, बोले कब मेरा ऐसे सौभाग्य होगा ये ब्रज रज को मेरे को प्राप्त हो, ब्रज में मैं घास भूसा लेकर के जन्म हो जाऊं। जब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगी, इनके चरण की एक धूल अगर मेरे सर पर पड़ जाए मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी ब्रज की धूल को प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जब गो बछड़े को चोरी की, पहले तो सोच रहे थे कोई ये ग्वाल बाल होगा, लेकिन ब्रह्मा जी को जो पता चला ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, ये ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, जब उनको पता चला सारे कारणों का कारण ये है। ब्रह्मा भी कहते प्रभु कब मेरा ये सौभाग्य होगा ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनकी घर में मैं पत्थर रूप में जन्म हो जाऊं, इनकी
धूल मिल जाएगा तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए विश्व ब्रह्मांड की ब्रजवासियों का चरण धूल को चाहते हैं। इसलिए कृष्ण ने ये ब्रज रज जो खाए वो ब्रज रज नहीं खाए, ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने ये ब्रज रज को दे करके सबको उन्होंने सांत्वना दी, चिंता मत करो ये ब्रज रज को तुम लोग ग्रहण करो हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं बछड़े होकर के हम आगे सुनेंगे, कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए और ये ब्रज रज का रस रज को उन्होंने आस्वादित किया है। इसलिए ये ब्रज रज कोई साधारण वस्तु नहीं, ब्रह्मा कहते हैं चिंतामणि प्रकर सतमय ब्रज रज नहीं, ये सब के सब चिंतामणि है और एक एक धूल में इतने शक्ति कितने ब्रह्मा विष्णु और कितने स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी आज ब्रज रज को उन्होंने आस्वादन किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले कभी कभी वृंदावन से कुछ गोपियां मथुरा आती थी दूध दही को बेचने के लिए, लेकिन जब आती थी मथुरा में बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की कथा को आपस आपस में चर्चा करती थी। कोई एक फल बेचने वाली थी, अभी वो कृष्ण कथा सुनते 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 उसको रोम रोम ही कृष्ण बैठी गई। अभी वो सोच रही है क्या मैं भी कभी कृष्ण को दर्शन कर पाऊंगी। इसी लोभ से उसने कुछ फल को लेकर के आई ब्रज में, कहते बच्चों को फल अच्छा लगता है, अगर मैं जोर जोर से आवाज लगाऊं फल लेगा कौन, फल हो सकता है कृष्णा फल खाने का लोभ से आएंगे फिर कृष्णा दर्शन हो जाएगा। लेकिन फल लेकर के आई और नंदा बाबा की घर को सामने खड़े होकर के फल लेगा कौन फल, उन्हें जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन आवाज को सुन करके कृष्ण का सखा लोग आए लेकिन कृष्ण नहीं आए। बेचारी बड़ी दुखी होकर के वो वापस आ जाती है, फिर दूसरे दिन फल लेकर के जाती है, दूसरे दिन भी जोर जोर से आवाज लगाती है फल लेगा कौन फल, लेकिन दूसरे दिन भी कृष्ण का सखा लोग आए लेकिन वो मक्खन चोर नहीं आए। दूसरे दिन भी बड़ी दुखी होकर के आ जाती है, लेकिन जब तीसरे दिन जाती है वो प्रतिज्ञा लेकर के जाती है आज अगर कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा मैं ब्रज से वापस नहीं आऊंगी, पूरा प्रतिज्ञा लेकर के आई। और कृष्ण चिंता करते 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 इतनी डूब गई कृष्ण चिंता में, उसने भूल गई फल बेचना, वो भूल गई। वो आकर के कहती है गोपाल लेगा कौन गोपाल, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी, काना लेगा कौन काना, वो भूल गई फल बेचना। अभी कृष्ण तो घटघटवासी, वो तो सबका हृदय में बैठे हुए, उनको पता कहां कौन किस भाव से मेरे को पुकार रही है। इतने में कृष्ण आंगन को बीच में गेहूं को ऊपर कृष्ण खेल रहे थे और गोपियां चारों तरफ में काम कर रही थी, कृष्ण कहीं बाहर नहीं जाए, क्यों कुछ दिन पहले सकटासुर त्रिणापर्त सबके सब आ गए थे, बीच बीच में नजर रख रही थी। जब कृष्ण को कान में आवाज पड़ा ये फल बेचने वाली को, क्यों उसने दो दिन तक तो फल लेकर के आई लेकिन कृष्ण दर्शन के लिए, लेकिन वो वापस चली गई। वो आज वो प्रतिज्ञा लेकर के आई अगर कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा तो आज मैं वापस नहीं आऊंगी। और कृष्ण चिंता करते 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 वो इतने डूब गई कृष्ण चिंता में, वो भूल गई फल बेचना, कहते कन्हैया लेगा कौन कन्हैया, गोपाल लेगा कौन गोपाल। देखो ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, यहाँ पर दो शिक्षा दिया है। कृष्ण कहते हैं अगर तुम मेरे को खिलाना चाहते हो पहले मेरे भक्तों को तो खिला, क्योंकि भगवान का निवास कहाँ पर है, कहते संतों का हृदय में। भगवान खुद कहते हैं साधव हृदय मोहम साधु नाम हृदय तुम, ये दुर्वासा जब इनको पीछे जब चक्र इनको पीछे भगाया, पहले ब्रह्म लोक में गए शिव लोक में गए जब वैकुंठ में गए, ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं बोले तुम मेरी कृपा को लेने के लिए आए हो, बोले हाँ, बोले कृपा तो मन से करते हैं, बोले हाँ, बोले मैं तो यहाँ पर है नहीं, मैं तो संतों का हृदय में हूँ और संतो मेरे हृदय में, अगर तुम मेरी कृपा पाना चाहे तो मेरे संतों के पास में जाओ, अगर मेरे संत मेरे भक्त अगर खुश हो गए ना
मैं अपने आप खुश हो जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो पहले मेरे भक्तों को सेवा करो, अगर मेरे भक्त प्रसन्न हो गए तो मैं अपने आप खुश हो जाता। इसलिए पहले उन्होंने कृष्ण की सखाओं को उन्होंने फल खिलाया। दूसरा शिक्षा देते हैं, बोले भैया जब तक हम पागल नहीं बन जाओगे ना तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। इसलिए कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कभी जितने पागल सबके सब झूठा पागल है। लेकिन सच्चा पागल कौन है? जो पागल है श्री बांके, बांके जोर से नहीं बोल रहे हाँ। इसलिए असली पागल वही है जो ठाकुर का प्रेम में जो पागल हो गए हैं। इसलिए आज जब कृष्ण चिंता में इतने डूब गई, इतने में ठाकुर जी उसको दर्शन देने के लिए वहां से गेहूं दोनों हाथों से उठाए, उठा करके जब चलने लगे मैया ने प्यार में नुपुर बांध करके रखी थी। अभी ये नुपुर का छम 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 आवाज होने लग गया। कृष्ण ने देखा भैया ये तो मैया को बोल देगी, क्योंकि नुपुर का आवाज हो रहा है ना, मानो ये नुपुर ये कह रहा है, बोले कन्या कहाँ जा रहे हो? कुछ दिन पहले सकटासुर और उत्तीर्णा व्रत आ गए थे, पुतना आ गई थी ना, मैया ने तेरे को मना की बाहर मत जाया कर, राक्षस आए थे, इसलिए खबरदार बाहर जाओगे ना फिर मैं मैया को बोल दूंगी, जो आवाज हो रही थी। आप बोलोगे नुपुर क्या बोल रही थी, मैया को बोल देगी, नुपुर को भी बोल सकती है? कहते बोल सकती है। बोले क्योंकि भगवान की शरीर में जितने अलंकार, ये कौन है? श्री बलदेव प्रभु, वो सबके सब चिन्मय है, ब्रज का हर वस्तु चिन्मय है, वो दिव्य अपराकृत है। इसलिए माना नुपुर कह रहे मैं बोल दूंगी। कृष्ण ने देखा भैया ये तो बोल देगी मैया को, वो नीचे था नुपुर, उनने थोड़ा ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा दिया चुपक गए, आवाज बंद हो गई। जब कृष्ण गेहूं उठाकर चलने लग गए, अभी कृष्ण तो 2.5 साल के बच्चों का हाथ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, जब ले जा रहे थे कि अंगुल को बीच में गेहूं गिरते गिरते पड़ जा रहा था। बोले गिरते गिरते कहां गिर रहा था? बोले कृष्ण के चरण में। बोले ये गेहूं कौन है? ये माँ लक्ष्मी, ये गेहूं माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी मानो कृष्ण के चरणों के ऊपर में गिर करके कह रहे प्रभु मैं तो आपकी घर की कोने में पड़ी हुई, आपका तो कोई नुकसान नहीं कर रही हूँ, मेरे को घर से बाहर क्यों ले जा रहे हो और किसी दूसरे व्यक्ति को मेरे को देने के लिए ले जा रहे हो? इसलिए मैं आपका चरण पकड़ती हूँ, मेरे को बाहर मत निकाला करो, मेरे को बाहर मत निकाला करो। मानो लक्ष्मी प्रभु के चरण में गिरते हुए प्रार्थना कर रही है। जब कृष्ण गेहूं को लेकर के आए, हाथ में केवल 2-4 गेहूं है, सारे गेहूं खत्म हो गया। जो फल बेचने वाली वो तो बाबरी बन करके, कान्हा लेगा कौन कान्हा, गोपाल लेगा कौन गोपाल, गिरधारी कौन लेगा गिरधारी, वो तो चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी। इतने में कृष्ण जब बाहर में आए, सचमुच से वो सोनी थी, कृष्ण बड़े सुंदर है, कृष्ण बड़े प्यारे हैं, क्या उनकी मंद मिठी मिठी मुस्कुराहट, क्या उनकी त्रिभंग ललित रूप। इसलिए कहते हैं ना, बांके बिहारी की देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। I'm not afraid of the dark.
I'm gonna go.
सारे फल तेरे को दे दूंगी। अभी कृष्ण सोचने लग गए कि तो पता नहीं है, वैसे ही गोपियां मेरे को हंसी खिली उड़ाती हैं। अगर इनकी गोद में बैठ करके मां बोल दूं, पता नहीं कौन गोपी मेरे को क्या बोलेगी। अभी कृष्ण तो सोचने में लग गए, बोले भैया इतने सारे फल मेरे को मिल जाएगी, देखे आसपास में कोई है ही नहीं। कृष्ण इधर उधर पीछे झांक करके देखा, कोई है ही नहीं। बोले ब्रह्मा करोड़ों साल तपस्या करके भी जिनकी चरण की नख की छटा तक को भी वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज वो परम ब्रह्म भगवान जिनकी गोद में बैठ करके माँ बोले, उसका हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। उसकी टोकरी में जितना फल था कृष्ण को दे दिया और उनको छोटे से नन्हे से हाथों में ये सारे फल आया। और फल लेकर के जब कृष्ण घर में आए, मैया बोली लाला तेरे को इतने सारे फल कहाँ से मिला? बोले एक फल बेचने वाले मेरे को दिए। लेकिन गोपियां ना पीछे पीछे सब देख लिया, गोपियों ने पीछे पीछे देख लिया कैसे एक फल बेचने वाले की गोद में बैठा उसको माँ बोला, गोपियां देख लिया। लेकिन कृष्ण सोच रहे थे शायद किसी ने देखा ही नहीं। इतने में गोपियों ने कहा, भैया तेरे को बताए फल कैसे मिला? बोले कैसे? बोले पता नहीं, जिसका जात पात कोई ठीक नहीं वो कहां से आई थी और तुम्हारा लाला उसको गोद में बैठा और मैया बोला। कृष्ण तो डर गए, ये गोपियां तो देख ली, कृष्ण तो डर गए। मैया ने बोली उसमें क्या हो गया, अगर मेरे लाला को कोई अगर लाला बोलता है उसमें बुराई क्या है? इतने में कृष्ण सुन करके उनका छाती फूल गया, बोले अभी मैया मेरे साथ में इसलिए कोई चिंता नहीं। मैया ने फल को अच्छे तरह से धो करके हैं उसको अमोनिया करके सालग्राम को सामने रख करके तुलसी पत्ता से भोग लगाए और कृष्ण के जितने सखा लोग थे सबको उनको फल खिलाई। देखो फल बेचने वाली जब थोड़ी दूर गई उसका जो टोकरी थी ना बड़ा भोजन हो गया, बोले इतना भोजन कैसे हो गया? और उसको नीचे उतार करके देखती है वो हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा हुआ। कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर मेरे को तुम फल खिलाओगे ना
मैं भी तुम्हारी झोली भर दूंगी। लेकिन वो फल बेचने वाली बोली, प्रभु मैंने तो आपको ये हीरे जवाहरा तो मांगा ही नहीं, इसको देख करके मेरे को आप भुलाना क्यों चाहते हो? मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, मैं तो दिन में एक बार केवल तेरे को दर्शन करना चाहती हूँ। वो हीरे जवाहरात को लेकर के जमुना में उसने उड़ाल दी। उसको बाद में वो कहाँ चली गई पता नहीं चला, वो गई कहाँ? बोले ठाकुर जी अपना चरण में उनको स्थान दे दिया। कहते हैं कि पूर्व चरित्र कथा आता है, कृष्ण बैठे तक क्यों बैठे इसकी गोद में? उसने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म की थी? बोले जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता इन्होंने वनवास हो गया, जब उन्होंने निषाद राज्य में पहुंचे, अभी पूरा निषाद राज्य के पूरा परिवार के लोग आ गए और निषाद राजा को साथ में इनकी मित्रता हो गई। निषाद राजा ने सबका परिचय दे रहे थे, बोले प्रभु ये मेरी माँ है, प्रभु जी ये मेरी पिताजी है, ये मेरी भैया है, सबको परिचय दे रहे थे। कभी कभी देखना दो भाई अगर मित्रता हो जाए ना, दूसरे माता को भी ये अपना माँ कहते हैं। अभी भगवान राम का रूप देख करके निषाद की जो माता थी, इसकी मन में वासना आई, ये कभी मेरे गोद में क्या कभी बैठेगा और मेरे को माँ बोलकर कभी बुलाएगा? उसकी मन में ये भावना हुई। भगवान तो घटघटवासी, बोले कोई चिंता मत करो, लेकिन रामलीला में मैं कौशल्या कैकेयी सुमित्रा शिवाय किसकी गोद में बैठ नहीं सकता, क्यों? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं जब कृष्ण लीला में आऊंगा सबकी इच्छा पूरी करूंगा, तुम कृष्ण लीला में आ जाओ। वही निषाद की जो माता जी थी, वही फल बेचने के लिए आई और हमारी बांके बिहारी उनकी इच्छाओं को पूरी की। यहाँ शिक्षा देते हैं, देखो कृष्ण ही ऐसे एक भगवान है, आप इनको जिस रूप में प्रार्थना करोगे ना, आपको सारी इच्छा को ही पूरी कर सकते, सब नहीं पूरी कर सकते। बोले क्यों? जो कृष्ण है ये सोलो कला में परिपूर्ण है, जो सोलो कला में जो परिपूर्ण है वो केवल कृष्ण ही है और कोई सोलो कला में परिपूर्ण नहीं। इसलिए भगवान राम को जैसे दंडकारण्य ऋषि लोगों ने बोले हमें अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो, उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए, आलिंगन नहीं दे पाए। जैसे पुतना है, पुतना जैसे उसको परम कृपा की, जैसे बहुत सारे भक्त पूर्व पूर्व जन्म में जो जो कृष्ण को प्रार्थना की थी, भगवान को प्रार्थना की थी, केवल कृष्ण ही सभी इच्छा पूरी की। इसका मतलब है अगर आप कृष्ण को भक्ति करोगे, आप जिस रूप में मांगोगे, बेटे रूप में, माँ रूप में, प्रियतम रूप में, हर रूप में केवल कृष्ण ही हमारी इच्छाओं को ये पूरी कर सकते हैं। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जय श्री राम। एक दिन कृष्ण ने अनुभूति की, जब कृष्ण को मैया गोद में बैठा करके दूध पिलाती हैं, उनकी मक्खन खिलाती हैं, ये ब्रज में जितने गोपियां, इनकी मन में भी इच्छा होता है क्या कृष्ण कभी हमारे घर में भी आएंगे, हम भी कभी कृष्ण को गोद में बैठा करके दूध मक्खन खिलाए। अभी इन सबकी इच्छा ऐसे है। कृष्ण ने एक दिन अपना ग्वाल बालों को बुलाए, बोले देखो ग्वाल बाल हम एक नया खेल खेलेंगे। बोले भैया कौन सा नया खेल है? बोले हम चोरी करेंगे। बोले चोरी गंदा काम है? बोले देखो हम थोड़ी कोई रुपया पैसा के चोरी करेंगे, हम तो घर घर में जाकर के मक्खन चोरी करेंगे, इसलिए मक्खन चोर को चोर नहीं कहते हैं। कृष्ण ने देखा दूसरों घर से चोरी करने से पहले मैं अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ, पकड़े में आता हूँ कि नहीं। एक दिन मैया को नजर बचाते हुए कृष्ण उखल के ऊपर खड़े होकर के मक्खन उतार करके खा रहे थे। कृष्ण को ये भी पता नहीं कोई परछाई भी हुआ करता है, अब तो छोटे बच्चे। और नंद बाबा का जो घर है वो हीरे जवाहरातों से बना हुआ है, जो पिलर बनी हुई वो मणि की पिलर। कृष्ण जब मक्खन खा रहे थे, इनका प्रतिबिंब मणि स्तंभ के ऊपर में पड़ा। कृष्ण को ऐसे लगा जैसे मैं मक्खन खा रहा हूँ, शायद हमारे घर में मेरे जैसे कोई बच्चा शायद मक्खन चोरी कर रहा है। इतने में कृष्ण ने देखा, ये तो देख लिया, ये मैया को बोल सकता है, इसको साथ में मैं दोस्ती बना देता हूँ। बोले दोस्ती कैसे बनाऊंगा? बोले कुछ खिला करके और उसको खा करके तभी दोस्ती बन सकते हैं। कृष्ण ने मक्खन निकाले, बोले देख
भैया तू भी मक्खन का, मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं। अभी परछा आई भी वही बोला, तू भी खा मैं खाता हूँ, मैया को नहीं बोलना। कृष्ण बोले तू मेरे घर में आकर के मेरे को उपदेश दे रहे हो। वो परछाई भी वही बोला, कृष्ण तो अपना परछाई से ही लड़ाई करना शुरू कर दी। मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई है ही नहीं, वो किसको साथ में लड़ रहा है। इतने में मैया आकर के देखती है अपना परछाई को साथ में लड़ रहा है। मैया ने बोले लाला तू किसको साथ में लड़ रहे हो, बोले भैया मैया भी देख लिया। इतने में कृष्ण छलांग लगाई, जो पिलर था ना वो मणि पिलर को ऐसे पकड़ लिए, बोले मैया मैया हमारी घर में एक चोर घुसा आयो है। बोले कहां पर, बोले इसके अंदर में। बोले देखो कितने भोले वाले, बोले घर में तो चोर आ गया, ये बताओ तेरे हाथ में मक्खन कहां से आया। बोले भैया ये भी सच है, बोले मैया तू मेरा मेरे हाथों में जो मणि का कंगन पहना दी थी वो गर्म हो गया था, इसलिए पानी में डाल करके मैं मक्खन में डाल करके मैं ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को तो तू ठंडा कर रहा था, फिर तेरे मुंह में मक्खन कहां से आया। बोले भैया ये भी सच है। बोले मैया एक चिट्ठी चल रहा था, वो चिट्ठी को मैंने हटाने के लिए गया तो मक्खन लग गया मुंह में। मैया बोले लाला मैं जो कुछ बनाती हूँ तेरे लिए, मेरे अकेले लाला, फिर इसको चोरी करने का क्या जरूरत है। कृष्ण ने देखा पहला दिन चोरी किया तो पकड़ में आ गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़े में आऊंगा। एक दिन कृष्ण किसी गोपी के घर में मक्खन चोरी करने के लिए गए। वो गोपी ने सोच रही है जब कृष्ण चोरी करने आते हैं कि गोपियां जो मक्खन बनाती ना कृष्ण के लिए बनाती है, हैं कृष्ण के लिए बनाती है। बोले कृष्ण जब घर में आते हैं एक बार तो कृष्ण का दर्शन हो जाता, लेकिन कृष्ण जब चले जाते हैं उसका विरह में दुखी हो जाती है। वो गोपी सोच रही थी मैं कृष्ण को घर में बांध करके रखूंगी और पास में बैठ करके खूब उनको मुंह पर निहारूंगी, खूब अच्छे तरह से उनका मुख का दर्शन करूंगी। इसलिए पहले ऐसे ही मटकी में उन्होंने मक्खन को धर दी और घर की कोने में चुप से बैठ गई। कृष्ण इधर आए, इधर देखा उधर देखा, देखा कोई है नहीं, बिल्ली जैसे धीरे धीरे चलती है, ऐसे कृष्ण गए और मक्खन खाना शुरू कर दी। गोपी तो बड़ी खुश हो गई, आज मेरी मक्खन बनाना सार्थकता हो गया, क्यों आज भगवान मेरे घर में मक्खन खा रहे, ठाकुर जी मक्खन खा रहे। जब कृष्ण मक्खन खा लिया इतने में वो गोपी आई, झट कृष्ण को पकड़ ली, बोले कहां जाओगे, आज तेरे को मैं घर में बांध करके रखूंगी, हैं बांध करके रखूंगी। कृष्ण बोले देख गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही मक्खन खा रहा था, बोले अपना घर में खा रहा था, चलो तेरे को बांध करके रखूंगी। बोले खंबे के ऊपर हाथ रख। अभी कृष्ण हाथ रखे और अपना चोटी से एक रेशम की रस्सी को निकाले, जब बांधने के लिए जा रही थी, भगवान का हाथ तो मक्खन सभी कोमल है, जो बांधने के लिए जाए बंधने में नहीं आए, खिसक जाए। कृष्ण ने कहा गोपी जिंदगी में तुमने कभी बंधी गई कि नहीं। बोले नहीं। बोले जब तक तो खुद बंधी नहीं जाओगे दूसरों को कैसे बांधोगे। बोले लाला तेरे को क्या बांधना आता है। बोले और क्या। बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख ये खंभे के ऊपर हाथ रख, अभी तेरे को मैं सिखाता हूँ। उन्होंने एक लपेटे, दो लपेटे, एक गांठ, दो गांठ और गुण गांठ अच्छे तरह से बांध दी। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, मैं तो अपना प्रेम से बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को भी अपना प्रेम रज में बांध देता हूँ। बोले लाला खोल दे। बोले मैया अभी तक तो मैंने किसको खोलना सिखाई नहीं, मैं तो सबको बांधना ही सीखा। उन्होंने अंगूठा दिखा 9, 2, 11 वहां से भगवान भाग गए वहां से। ऐसे ही ब्रज में घर घर में प्रभु मक्खन चोरी कर रहे थे। अभी ब्रज में एक नई गोपी शादी होकर के आई, वो बड़ी लिखी बड़ी बड़ी चालाक चतुर थी। उसको पता चला कृष्ण घर घर में मक्खन तो चोरी करते हैं लेकिन किसके पकड़े में कृष्ण नहीं आते। अभी गोपी बोली भैया मैं तो आज कृष्ण को मैं हैं मजा चखा करके देखूंगी कैसे कृष्ण मक्खन चोरी करते हैं। वो एकदम सवेरे सवेरे लठिया लेकर घर को सामने बैठी गई। कृष्ण ग्वाल वालों को साथ में आए, उन्होंने एक चक्कर लगाए, देखा वो गोपी हट नहीं रही थी, बास वहीं पर तो बैठी हुई। दूसरे चक्कर लगाए तब भी वो हट नहीं रही थी। जब तीसरे चक्कर कृष्ण लगाए, गोपी ने बोली देख कन्हैया आज तेरे दाल गलने वाले नहीं, आज मैं बैठी हूँ, कैसे मक्खन चोरी करोगे। कृष्ण ने कहा देखो
मैं तो किसी शुभ काम में जा रहा था, तुमने मेरे को टोक दिए। बोले सारे नारी नक्षत्र में तेरे को जानता हूँ, पता तेरे को, खबरदार अगर इसी गली में तू आओगे ना, फिर तो मैया को पास में पकड़ कर ले जाऊंगी। कृष्ण तो दूसरे दिन उसी गली में ही आना कृष्ण छोड़ दिए। एक प्रहर हो गया, दो प्रहर हो गया, तीन प्रहर हो गया, जब कृष्ण नहीं आए, ये गोपियों को कृष्ण को देखे बगैर इनका चैन कहाँ पड़ती है। इसलिए एक गोपी गीत में गोपियां एक श्लोक गाती हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वांगमपश्यता कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते। गोपियां ये गोपी गीत में ये श्लोक गाती हैं, जिस समय कृष्ण गोचारण करते हुए ब्रज में वापस आते हैं, भगवान बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं। अब ये बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रज की गोपियां सबके सब घर से बाहर निकल आती हैं और कृष्ण को घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन करती हैं। दर्शन करते समय ये आंखों का जो पलक झपती है, देखना पता नहीं पड़ता, इतनी जल्दी तेजी से झपती है, लेकिन उतना समय को भी गोपियां कहती है कृष्ण का मुख कैसे जैसे कि कमल है, कमल है, और कृष्ण को जो घुंघडाली जो केस माने जैसे कमल फूल कुपर में भमूरा मर रहते हैं, और कृष्ण को मुंह में जो धूल पड़ा हुआ है वो कैसे है, जैसे केसर है, जैसे केसर है। इसलिए गोपियां जब दर्शन करती हैं, हाँ, एक पलक झपते ही कहती है त्रुटि जुगायते त्वाम मपस्यताम, वो ब्रह्मा को निंदा करती है, कृष्ण इतने सुंदर देखने में, ब्रह्मा जी को दो आंख दिए, फिर बीच बीच में ये पलक झपती रहती, ये एक पलक झपते ही कहते त्रुटि जुगायते, मानो करोड़ जुग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर। ऐसे गोपियों का प्रेम है, एक प्रहर दो प्रहर तीन प्रहर तक जब कृष्ण नहीं आए, ये गोपियां तो तड़पड़ाने लग गई। तो तीन प्रहर तक वो मक्खन चोर का मुंह दर्शन नहीं मिला, झूंड के झूंड गोपियां मैया जसोदा को घर में आ गई, आकर के मैया को झूठ मूठ का शिकायत लगा रही थी, वो शिकायत करने नहीं आई, वो कृष्ण को दर्शन करने के लिए वो आई है। बोले मैया जसोदा, बोले क्या बात है, बोले लगता है हमें ये ब्रज छोड़कर के और कहीं जाना पड़ेगा। बोले क्या हो गया, बोले तेरे जो लाला है ना, हमारे घर में मक्खन चोरी करती है। मैया बोली एक काम कर लो, मेरे लाला अंधकार को बहुत डरता है, अंधकार में मक्खन रखो, मेरे लाला नहीं खाएगा। बोले मैया हमने सो करके भी देख लिया। बोले क्या है, बोले तुम उनका शरीर में जो अलंकार पहना तो हीरे जवाहरा वो अंदर में प्रवेश करते अपने आप उजाला हो जाते, लाइट की जरूरत नहीं। बोले अलंकार को उतार दो, बोले तेरी सौगंध हाथ मत लगाइयो। बोले फिर, बोले कृष्ण का जो नख है ना उसमें इतने प्रकाश है, कहते जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं, कहते भैया ये ब्रह्म ज्योति है क्या चीज। बोले कृष्ण की नख की जो छटा प्रकाश है ये ब्रह्म ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति है। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहें, नट की मटुकिया भोले दी रे मटुकिया भोले दी रे। गोपियां शिकायत करती हैं यशोदा मैया से, पर कहती है मैया तेरा ये छोरा है ना बड़ो ही उत्पाती है। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नट खट की मटकिया और देखे मेरी रे मटकिया और देखे मेरी रे मटकिया। Thank you.
और मिया ये क्या करता है, ये अंधेरी रात में आकर मेरा माथन चुराता है, मेरा माथन चुराता है रे मेरा माथन मेरा माथन चुराता है मेरा लड़ता है झगड़ता है मुझे आने दिखाता है मुझे आने दिखाता है भैया चोरी तो चोरी करता है और आंखें भी दिखाता है सुंदरिया पीछे कर मेरी सुंदरिया पीछे कर मेरी वो हारा हाथी भूख पट पर नचनिया तोड़ दी मेरे सजनिया कन्हैया की शिकायत क्या कन्हैया न सकती मकुटिया और भी तेरी रे मकुटिया और भी तेरी रे Thank you.
मेरा वो निराला था, निराला है अनोखा है, निराला है अनोखा है, निराला है। गोपियों को तो कहना चाहिए ठाकुर जी से मिलने का, ये झगड़ा गोपी सहना था, निराला है अनोखा है, निराला है अनोखा है, रे निराला है अनोखा है। मेरी शाम से तो ये मिलने का सुनहरा इनका मौका है, सुनहरा ये तो मौका है, सुनहरा ये तो मौका है। बलहारी घर में बारी, बलहारी घर में बारी, कन्हैया को छात्र के घर मेरी लगनिया तोड़ दी, मेरी लगनिया तोड़ दी, मखन चोर भगवान की जय, जय जय श्री राम। जब कृष्ण घर घर में मखन चोरी कर रहे थे, एक दिन मैया बोले, लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले मैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ, पूरा ब्रज में घर घर में हला हो रहा है, तू क्या घर घर में मखन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई क्या बेटी देगी, लगता है तू कुंवर का कुंवर रह जाओगे, शादी में कुछ नहीं होगी। कृष्ण तो दुखी हो गए, बोले सारा दुनिया शादी के लिए पागल बनते हैं, और मैया कहती है नौकरी चाकर दुकान मकान क्यों करते हो, केवल एक काम के लिए शादी के लिए सबके सब। और मैया क्या कहती, मेरी शादी नहीं होगी। कृष्ण ने सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दू, मैया को विश्वास हो जाए मैं मक्खन चोरी नहीं किया है। देखो कृष्ण कितने सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिए। ये सूरदास का भजन है, हम लोग भजन को सब जानते हो, भले मैया मोरी मैंने ही माखायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मेरे ही माखन खायो। मोरा भयो कई अन को पाछे, मोरा भयो कई अन के पाछे, बाजु बनमो हे पछायो, मैया मोरी मेरे ही माखन खायो, हेलो। सब ये भजन जानते हो, देखो कृष्ण कितना सुंदर एग्जाम्पल दिए। बोले मैया ये बताओ, भोर भयो गई अन्न को पाचे, मधुबन मय पठायो, बोले हाँ, बोले चार प्रहर बंसी बट भट्टे को सायो, बोले हाँ, तीन भर गैया चराया, शाम को घर में आया, रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं, बोले हाँ, बोले फिर मैया ये बताओ, फिर मैंने मखने तो चोरी की,
अरे मैंने मखाने कब चोरी की? बोले मैं बालक बही अने कोई छोटो काहे विधि छिके पाओ पायो मखर तो ऊपर छिके के ऊपर रखते हाँ मैं इतना छोटा सा बालक बता मेरे हाथ कैसे वहां पर पहुंचा। मैया ने बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले मैया क्या बताऊं, ये सखा लोग तो खुद मक्खन खाते हैं और चोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा देते और मेरे को चोर बना देते खुद खा करके। लगता है मैया मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर कोई फेंक दिया था और तुमने उठा करके ला करके मेरे को तुमने पालन किया, क्यों दुनिया भी मेरे को मक्खन चोर तू भी मक्खन चोर कहते हो। इतना सुनते ही तो मैया की हृदय पानी पानी हो गया। फिर मैया ने कृष्ण को गोद में भर लेती है। बोले नहीं लाला तेरे मक्खन चोरी नहीं की, तुमने नहीं की। फिर कृष्ण बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो। बोले नहीं मैया मैंने मक्खन खाया, मैंने ही मक्खन खाया। देखो कृष्ण जो मक्खन चोरी कर रहे थे इसका तात्पर्य क्या, वो तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। चोर किसके कहते हैं? जब किसी दूसरे घर में जाकर किसी चीज को उठा करके लो। लेकिन दुनिया का मालिक है तो वही पर उनको मक्खन चोरी की, वो चोरी क्यों किए? इसको संतों ने बड़ी सुंदर एक एग्जाम्पल देकर समझाए। बोले इसका नाम है मक्खन। मक्खन मतलब क्या? बोले मख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। बोले भगवान किस चीज को चोरी करते हैं? बोले जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य नहीं। बोले किसकी हृदय में नहीं? बोले संतों का हृदय में। बोले संतों सबसे बड़े संत कौन है? बोले ब्रजवासी है, ये ब्रज गोपियां। इसलिए जिनकी चरण धूलि ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी, शंकर स्वयं भी गोपी बन करके प्रभु की रास दर्शन करना आते। गोपी मतलब क्या है? गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों के द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं, ये गोपी हैं। ये गोपी कोई स्त्रियां नहीं है, ये गोपी एक भाव है, गोपी एक भाव है। इसलिए सबसे बड़े संत ये ब्रज गोपियां हैं। इसलिए जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, बोले संत हृदय न बनी त समाया, संत संतों का हृदय ही ये मक्खन है। इसलिए कृष्ण मक्खन चोरी करने नहीं, ब्रज गोपियों की हृदय को चोरी करने के लिए प्रभु जाते थे। आप लोगों ने घर में मक्खन बनाते हो? जीवन में कौन कौन मक्खन कभी भी बनाया है? किसने बनाया हाथ उठा? जीवन में मक्खन किसने कभी भी बनाया हो? जोर से हर धीरे से को जोर से हाथ उठाओ ना। आप लोग मक्खन बनाया, देखो इसका एक रहस्य बताए। ये मक्खन का तात्पर्य क्या, कृष्ण ये मक्खन क्यों चोरी करते थे? देखो जब मक्खन बनाते हो सबसे पहले हम दूध लाते हैं और दूध को ला करके उसको हम गर्म करते हैं। बोले दूध को गर्म करने का मतलब क्या होता है? बोले मतलब है जब किसकी हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, गर्म मतलब विरह, भगवान कब मिले, ठाकुर जी हमें कब मिले, ठाकुर जी हमें कब मिले, यही विरह ही ये गर्म है, है? जब दूध गर्म हो जाता है उसको बाद में ठंडा करके उसमें जमन डालते हैं। बोले ये जमन क्या चीज है? बोले जमन है जब हृदय में उत्कंठा जगे फिर भगवत इच्छा से उसको सदगुरु की प्राप्ति होती है। जैसे श्री ध्रुव महाराज जब उन्होंने कठोर तपस्या की ऐसे उन्होंने भगवान को पाने के लिए विवल हो गए, भगवान के आसन तक भी हिल गया। भगवान बड़े चंचल हो रहे थे। मैया लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो? बोले कि छोटा सा बच्चा ध्रुव मेरे को पाने के लिए इतने उतावला हो रहा है। बोले प्रभु जाओ ना उसको दर्शन दो। बोले देखो लक्ष्मी अभी तक उसने गुरु नहीं बनाया, अभी तक उसने
गुरु नहीं बनाया। जब तक जीवन में कोई गुरु नहीं बनाते हैं तब तक मेरा दर्शन नहीं होता है। जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरिंचि शंकर समोई। बोले ब्रह्मा शंकर जैसे कोई बराबर हो जाए, अगर जीवन में सदगुरु को ग्रहण नहीं करे, कहते भैया तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता है। लेकिन कहते ना, गुरु कर जान के और पानी पियो। हाँ, इसलिए नियम है, गुरु करनी चाहिए। हम जहां तहा गुरु कर दो। अब विशेष करके हम क्या चाहते हैं, हम तो गुरु वहीं पर करेंगे, प्याज लहसुन भी खाए, मांस मछली भी खाए, अंडा भी, सब कुछ खाना चले। और ऐसे कोई एक गुरु बन जाए है, जो कि सब चीज को छूट दे दे और हमारे गुरु बन जाए। बोले नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए भगवत मंत्र लेने के लिए सबसे पहले, जैसे किसी खेती में जब बीज बोते हैं ना, ऊसर जमीन में अगर बीज बोगे तो पेड़ नहीं होगा। पहले जमीन को उर्वर करो, उसको उर्वर करो पहले, उसको साफ सुथरा करो, फिर उसमें बीज डालो, तभी तो पेड़ होएगा ना। जहां तक अगर बीज को बो दो तो पेड़ ही नहीं होगा। इसलिए गुरु करने से पहले एक तो गुरु जी को भी देखनी चाहिए, गुरु जी शिष्य को भी देखनी चाहिए, दोनों दोनों को परखे, दोनों दोनों को परखे। इसलिए कृष्ण भागवत, कृष्ण गीता में कहते हैं, कहते भैया गुरु जी को कम से कम तीन लक्षण हो। कितना लक्षण हो? बोले तीन लक्षण हो। बोले क्या है? बोले शब्द परेच निष्णातम ब्रह्म निरूप समाश्रयम। कहते तीन गुण क्या है? पहले पहला नंबर है, सारे शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए हैं। अगर वो सारे शास्त्र को नहीं जानते हैं ना, हमारे मन में जो शंकाओं को वो दूर नहीं कर सकते हैं। बोले क्या सारे शास्त्र को पढ़ने पर कोई गुरु हो जाएगा? बोले नहीं। कहते ये बाहर का लक्षण है, वो अंदर का लक्षण नहीं। ऐसे नहीं केवल दूसरों को ही उपदेश देते हैं, लेकिन अपना जीवन में ठन ठन मदन गोपाल, अपना जीवन में कोई आचरणता नहीं, नहीं जो बोलते हैं वो करते कि नहीं वो काम को, 24 घंटा में 24 घंटा सचमुच से ये भगवान की भक्ति करते कि नहीं, ये चीज को देखनी चाहिए। जो शिष्य जो गुरु बनाए, क्या बोलते हैं एक और करते हैं उल्टा पुल्टा सबके सब, ये दूसरा लक्षण है। कहते उनका जो तीसरा लक्षण है, कहते ये जो सांसारिक जो माया ममता है, जो स्त्री पुत्र परिवार जो माया से वो ऊपर होनी चाहिए। अगर हम जैसे घर गृहस्थी अपना बीवी बच्चे दुनियादारी में हम भी मस्त हैं, अगर गुरु जी अगर वही काम ही कर रहे, वही माया मोह ममता में पड़े हुए, जैसे कुएं में दो व्यक्ति पड़े हुए, एक दूसरे को कहता भैया कुएं से निकाल दो, और कुएं से कौन निकलेगा, अथवा दोनों ही तो कुएं में पड़े हो। हाँ, अगर ये कुएं से ऊपर कोई अगर हो, रस्सी फैले, इसको कोई जोर से पकड़े, फिर तो वो हमें ऊपर उठा सकता है, वही हमें ऊपर उठा सकता है, कुएं में गिरे हुए व्यक्ति नहीं उठा सकता है। उसी तरह जो व्यक्ति ये माया से ऊपर होना, फिर हमें उठा करके वो भगवान तक वही ले जा सकते हैं। इसलिए इनका तीसरा लक्षण बताए, ये माया मोह से वो ऊपर होनी चाहिए, तभी वो हमें उठा करके माया से ले सकते हैं। इसलिए जब ध्रुव जी व्याकुल हो गए, भगवान भी चंचलता हो गए, इतने में लक्ष्मी बोले प्रभु कृपा करो ना। बोले अभी तक उसने गुरु नहीं किया है, जब तक गुरु ग्रहण नहीं करते हैं तब तक मैं दर्शन नहीं देता हूँ। बोले प्रभु आपका इच्छा से तो हो जाता है। फिर उन्होंने नारद जी को स्मरण किया, नारद जी आए, उन्होंने नारद जी को भेजते हैं, जाओ तुम उनको परीक्षा करके ये मंत्र देकर जाओ। नारद आकर के परीक्षा भी किए हैं। बोले क्या कर रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए मैं तपस्या करने के लिए आया। बोले भगवान थोड़ी कोई लड्डू है, लड्डू थोड़ी है बनाया और खा लिया, जाओ घर में चली जाओ, तेरे पिता तेरे को ढूंढ रहे हैं, पिता तेरे को ढूंढ रहे हैं, घर में चली जाओ। बोले आप कौन हो? बोले मैं नारद हूँ। बोले लगता है आप कोई डुप्लीकेट नारद हो। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है नारद जी सबको भगवान की भक्ति की उपदेश देते हैं, लेकिन आप कह रहे हो भक्ति छोड़ करके संसार में चले जाओ। अगर आप सचमुच से नारद होना, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया भगवान हमें मिलेंगे ही, भगवान हमें मिलेंगे। क्यों? जब तक किसी साधु की कृपा नहीं हो, जब तक किसी गुरु जी की कृपा नहीं हो, भगवान खुद कहते हैं बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई। बोले सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना। कहते अगर हमें किसी शुद्ध साधु का दर्शन हो गया,
जैसे विभीषण को साथ में हनुमान की दर्शन हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम की एक निष्ठ भक्त है, तो विभीषण क्या कहता है, आज मैं भा भरसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिलई नहीं संता, जो रघुवीर मय अनुग्रह किनी तो मई दरस एटनी। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा हो गई, तभी आज मेरे को भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन मिल गया। इतने में विभीषण जब पता चला हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए आए, देखो विभीषण क्या कहता है, ध्यान देकर सुनो, कहा देख हनुमान तेरे पास में बाप है और मेरे पास में माँ है, तेरे पास में पिताजी और मेरे पास में माँ है। बोले मेरे पास में माँ कौन, बोले सीता। बोले तेरे पास में पिता कौन, बोले श्री भगवान राम। जब तक पिता माता की मिलन नहीं हो ना, तब तक काम नहीं होता है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, माँ से तेरे को मैं मिला देता हूँ और तू मेरे को पिताजी से मिला देना, वैसे काम बन जाएगा। बोले जाओ तुम अशोक वाटिका में चले जाओ, वहीं पर माता सीता जी वहीं पर है। अभी हनुमान जी माता सीता जी से मिल गए, तब विभीषण ने कहा देख हनुमान मैं तो अपना काम कर लिया, अभी तेरा काम बाकी रह गया, तू मुझे अपना पिताजी से मिला देना। बोले ठीक है। अभी जिस समय विभीषण ने रावण को समझाने के लिए गया, देखो हम पुलस्त्य वंश के वंशधर हैं, हमारी धर्म नहीं पराई स्त्रियों को उठा करके ले आना, ये हमारी धर्म नहीं है, ये सीता जगदम्बा जग जननी माँ लक्ष्मी, जाओ उसको वापस दे करके आओ, उसको वापस दे करके आओ। इतने में रावण को क्रोध आया, बोले तू छोटे भैया आओ करके मेरे को ये उपदेश दे रहे हो। तब उन्होंने लात मारी तो उन्होंने वहां से लुढ़कते नीचे गिरा और उन्होंने राम की शरण में आए। जब आए तब बंदर लोगों ने, आप लोग 8 बजे इसलिए उन्होंने अभी विभीषण अभी आया राम से मिलने के लिए, तब वहां पर बंदर सैनिक थे, बोले तुम कौन हो। बोले मैं रावण का छोटे भाई हूँ। इतना सुनते ही जितने बंदर थे ना, उनको अच्छे तरह से रस्सी में बांध करके ले आए। जब राम को पास में रस्सी में बांध करके लाए, देखा वहां पर हनुमान जी बैठा हुआ, वहां हनुमान जी बैठे हैं। इतने में हनुमान जी को देखकर तो थोड़ी सी कलर ऊंचा हो गया, क्यों, ये मेरे को जानता है। लेकिन हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, भैया तुम कैसे हो। बोले एकदम बात मत करो। बोले क्यों। बोले तुमको मैंने अपना मैया से मिलाया था और तुमने कहा था बाप से मिलाओगे भगवान राम से, देखो तुम्हारी बंदर लोग मेरे को कैसे बांध करके लाए। तब हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुमने अपना परिचय क्या दिया था। बोले मैंने अपना परिचय दिया था रावण का छोटे भैया, तभी तो तेरे को बांध करके लाए। रावण तो भगवान की शत्रु है ना, अगर तू बोलोगे शत्रु का छोटे भाई तेरे को बांध करके नहीं क्या स्वागत करके लाएंगे। अगर तू इतना बोल देता मैं हनुमान का मित्र हूँ, किसका मित्र हूँ, हनुमान जी का मैं मित्र, तेरे को स्वागत करके यहाँ पर ले आते, तेरे को स्वागत करके ले आते। इसी तरह कहते भैया जब तक किसी साधु की अनुगत्य में हम नहीं जाए, किसी भजन परायण भक्त की अनुगत्य में नहीं जाए, भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए अभी दही जम गया, अभी उसमें जमन डाल दिए, उसमें जमन, ये जमन क्या है। बोले जब किसी सदगुरु से हम भगवान के मंत्र को ग्रहण करते हैं, जैसे राम जैसे कृष्ण मंत्र ग्रहण करते हैं, यही जमन। अभी बन गया दही, दही बन गया तो उसको बाद में क्या करो, फिर उसको मंथन करो। बोले भैया मंथन क्या है। बोले साधक, जैसे गुरु जी से मंत्र ले लिया, हरिनाम ले लिया, अगर माला को अगर लटका कर कहीं रख लोगे, भजन नहीं करोगे, क्या भगवान घर मिल जाएंगे। जैसे आप कल बम्बे जाना चाहते हो, एक टिकट बनाया, अगर टिकट को अगर पॉकेट में रखोगे क्या बम्बे पहुंच जाओगे। आपको रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा, अपना कोच नंबर दे करके बैठोगे, फिर वो ट्रेन आपको बम्बे ले जाएगी। इसलिए गुरु जी से तो मंत्र ले लिया, अगर हमने भगवान की भजन माला फिर गुरु मंत्र जब नहीं किया, फिर भगवान के पास में कैसे पहुंचेगी। इसलिए क्या करो, उसको मंथन करो। बोले कलयुग में सबसे सरल मंथन क्या है। बोले भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए,
उनको पता था, इसलिए उनको पता था कलयुग का जीव इतने कठोर साधन कर ही नहीं सकते, इसलिए भगवान ने बोले भैया कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, कलयुग में थोड़ी सी हरि का नाम ले लो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, नवीन प्रभु जा रहे हैं, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ठाकुर जी बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, उठते बैठते सोते क्या करो, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम को लो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा, सुमीरी सुमीरी नारा कलयुग के जो मंथन है कलयुग में भगवान यही मंथन है। जब देखना एक तरफ में मक्खन और एक तरफ में छाछ, बोलिए मक्खन क्या है, बोले भगवान के प्रेम ही ये मक्खन है, बोले छाछ क्या है, बोले जितनी गंदी चीज निकल जाएगी और भगवत प्रेम हृदय में प्रकट होगा। जब प्रेम उदय होगा क्या होगा, अब देखना जब फूल खिल जाए ना, ये फूल भौरा को पास में नहीं, ये भौरा फूल को पास में आता है, ये भौरा फूल को पास में ये भौरा आता है। इसलिए जब हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए फिर आपको भगवान के पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान आपके पास में आएंगे। इसलिए कृष्ण गोपियों के पास में आते थे, गोपियां कृष्ण के पास में नहीं जाते थे। इसलिए यही भगवत प्रेम, इसको ही कहते हैं मंथन करना, यही मक्खन चोरी का तार है। इसलिए बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हाँ अब लोग पीछे पीछे थोड़ी सी ताली बजाते हुए ठाकुर का थोड़ा नाम कीर्तन करो, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण महापुरुष का भक्तों का जीवन चरित्र सुना, ये महापुरुष का जीवन का चरित्र है।
बोले महाप्रभु का भक्त में एक भक्त थे जिनका नाम श्रीवास पंडित था। जब उसने जन्म ग्रहण किया उसको पिता माता ने ज्योतिष को दिखाया, देखो हमारे बच्चे का भविष्य क्या है। ज्योतिष ने कहा देखो तेरे बेटा 15 साल में मरने वाला है। अब इसको सुनकर तो डर गए, 15 साल में एक बेटा 15 साल में मरने वाला, अभी तो डर गए। उन्होंने दूसरे ज्योतिष को भी दिखाया, पहले अच्छे अच्छे ज्योतिष होते थे वो भी यही बात बताया 15 साल में तेरा बेटा मरने वाला। अभी को पिता माता डर गए, अभी क्या होगा। अभी धीरे धीरे वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ उसने सारे ग्रंथों को पढ़ा, अगर किसकी मृत्यु हो बचने का कोई उपाय है। वो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते एक ग्रंथ में देखा नारदीय पुराण कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ था, बोले हरेर नाम एव केवलम। मतलब है कलियुग में अगर कोई भवसागर से पार होना चाहता है हरि का नाम ही एक उपाय है, और कलियुग में ठाकुर का नाम के सिवाय कोई गति नहीं। कहते वो नाम कौन सा नाम, उसको नीचे लिखा हुआ था ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको नीचे ये मंत्र लिखा हुआ था। बोले भैया ये तो लिखा हुआ है कलियुग में अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं केवल एक उपाय ठाकुर का नाम जप करना। अभी उसने ये ठाकुर जी का नाम जप करना शुरू किया, उठते बैठते सोते चलते फिरते केवल भगवान के नाम को जप करना उसने शुरू किया। ज्योतिष ने यह भी बता दिया था कौन सा दिन तुम मरने वाला। उसी दिन उसने सवेरे सवेरे नहा धो करके ठाकुर को सामने बैठ गया और देखो मेरे तरफ में ध्यान दे, देखो ऐसे के माला में वो बैठ करके ठाकुर का नाम जप करना शुरू किया। जब ठाकुर का नाम जप करते करते जिस समय मृत्यु का समय था इतने में उसने बेहोश हो गया। बेहोश होते ही उसको मानो किसी ने बड़े जोर से तामा चमा थप्पड़ मारे, थप्पड़ मार तो उसने जग गया तो उसने किसी को भी नहीं देखा लेकिन वो मरा ही नहीं। जब नहीं मरा, जब उसने श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तब चैतन्य महाप्रभु उनको बता रहे हैं, बोले श्रीवास तेरे को ज्योतिष ने कहा था 15 साल में मरने वाला। बोले हाँ प्रभु। बोले तुमने भगवान के नाम जप करना शुरू किया। बोले ठाकुर जी सही बता रहे हो। बोले जिस दिन तुम्हारी मृत्यु थी उसी दिन तुम ठाकुर के सामने बैठकर माला जप कर रहा था। बोले हाँ। बोले जब तुमने बेहोश हुआ किसी ने एक थप्पड़ मारा था। बोले प्रभु आपको कैसे पता मेरे को थप्पड़ मारा था। बोले स्वयं मैं था, तुम्हारी मृत्यु थी तुम्हारी, तुमको जमदूत लेने के लिए आए थे लेकिन तुमने मेरा नाम को सहारा लेकर के बैठा हुआ था इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मार कर जमदूत को भगाया और तेरे को मैंने बचा दिया, तेरे को मैंने बचा दिया। इसलिए भगवान की अगर कोई नाम जप करते हैं ना, जितने तुम्हारे प्रारब्ध का जितने गंदे गुण हैं प्रभु का नाम से ही ये सही हो जाता है। हमारे कोई एक भक्त थे जिसको कैंसर का बीमारी हो गया, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया 6 महीना तुम जिंदा रहने वाले। वो अच्छे नौकरी कर रहे थे, जब देखा डॉक्टर ने बोला भैया 6 महीना में मरने वाला, उसने रिजाइन दे दिया। रिजाइन दे करके उसने भगवान की माला जप करना शुरू किया। 3 में 1 लाख हरिनाम करते थे, आपको पता है कितने साल में मरा, 16 साल जिंदा रहा उसने। 16 साल तक जो 6 महीना में डॉक्टर बोल दिया था जवाब दे दिया उसने 16 साल तक रहा, और जितनी उम्र में मरनी चाहिए करके 70-80 साल में उसने शरीर छोड़ा। अगर भगवान के नाम को जप करोगे ना, आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुने है ना, सुने कि नहीं वाल्मीकि, पहले वो दस्यु रत्नाकर था उसने, लेकिन जब नारद बोले बोलो राम, उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला। बोले तो भैया तुम मरा तो बोल सकते हो। बोला हाँ मरा तो बोल सकता हूँ। कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन माही। इसलिए अगर वो व्यक्ति अगर उल्टा नाम करते करते अगर दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि हो सकता है, अगर हम सीधा नाम लेंगे तो हमारा क्या नहीं होगा बताओ। आप लोगों ने कोई पेड़ लगाया हो जमीन में, कौन कौन पेड़ लगाए हाथ उठा, तो कभी जमीन में कोई पेड़ लगाए होंगे। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, देखना जैसे गेहूं का पेड़ होता है ना, जो जो चासी होता है
वो गेहूं को लेकर के ऐसे जमीन में ऐसे ऐसे फेंक करके चला आता है, ऐसे तो फेंक करके चले आता है, वो उल्टा पड़े सुलटा पड़े। लेकिन जो पेड़ होता है कैसे होता है बोले, जो पेड़ होता है कैसे होता है, वो सीधा होगा, भले ही उल्टा पुलटा क्यों फेंके नहीं, लेकिन होगा वो सीधा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान का नाम को अगर किसी तरह से क्यों नहीं जप करे, मुंह से किसी तरह से प्रभु का नाम निकल जाए ना, उल्टा सीधा भी निकल जाए, लेकिन उसका जो फल है ना वो सीधा ही होगा। इसलिए कहते राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान स्वयं अपना नाम की महिमा ठाकुर स्वयं नहीं बोल पाते, इतने नाम की महिमा ठाकुर जी की, नाम की महिमा। इसलिए आप लोग सबके सब मेरे पीछे पीछे मीठी मीठी ताली बजाते हुए सबके सब मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Radhe Radhe गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गो बीच में एक डॉक्टर है,
वो ब्रेन का डॉक्टर प्रभु जी इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप बोलो माइक है उधर, माइक वाले, माइक वाला कहाँ गया कि इसको खोल कर दे दो, इसको खोल कर उनको दे दो, माइक है उधर, प्रभु जी माइक दे दो। ओम अज्ञान त्रिमंदस्य ज्ञान जन्य शलाक्य चक्षुर्मीलितं ये तस्मै श्री गुरवे नमः। वाचा कल्पतरुभिः कृपासिन्धुभिः एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावंदनाय कृष्ण प्रदाय ते कृष्णाय चतने नामने करित परे श्री नमो। हे कृष्ण कन्हा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तु। तप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी श्री वृषपाणि सुदेवी कमाई हरि की। सर्वप्रथम मेरा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाठ 108 श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम। उपरांत व्यास गद्दी पर विराजमान मेरे गुरु श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी को दंडवत प्रणाम। और अंत में सभी वैष्णव वैष्णवी भाई बहनों को और पंडाल में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे पेशे से तो मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और MD कर प्राइवेट मरीजों का इलाज करता, पर कल जब गुरुजी ने मुझे कुछ बोलने के लिए कहा तो मुझे याद आई अपनी MD का पहला दिन। मैं तो पिछले 6 महीने से गुरु और गोविंद मेरे घर दोनों आए, गोविंद जी पहले थे, गुरुजी पिछले 6 महीने से मेरे घर में आए, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे MD के फर्स्ट डे मेरे प्रोफेसर ने जब बोला कि आप ये वाला केस को प्रेजेंट करो, साइकियाट्री का केस था, मुझे लगा कि अभी तो मैं साइकियाट्री में दाखिला ही लिया है, मैं जानता नहीं कुछ भी और कैसे प्रेजेंट करूं। तो मैंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं आता, तो मेरे प्रोफेसर बोले तुम्हें जो आता है उसी तरीके से इस केस को प्रेजेंट करो। तो वही घटना मेरे साथ कल हुई। मैंने महाराज जी को बोला मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, तो उन्होंने कहा जितना भी जो कुछ तुम्हें आता है बस उतना ही बोल दो। तो मैं यहाँ से घर गया, विचार किया कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। तो दो चीजें जो अक्सर गुरु जी लगातार कुछ दिनों से पिछले बोल रहे हैं और मुझे लगा कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, हरि नाम और साधु संग। हरि नाम जब आप जपते हैं, हम सभी लोग माला करते हैं, सभी लोग उपवास भी रखते हैं एकादशी का, पर मुझे लगता है कि अगर हरि नाम को आप जप के साथ में धारण करें, अपने अंदर देखें कि वास्तव में क्या आप 5 माला 10 माला 20 माला 16 माला करते हैं, तो क्या कृष्ण की बताई हुई शिक्षाएं, उनके बताई हुई चीजें हम अपने अंदर लेते हैं, क्या हम उनके महाराज जी के बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं? और अगर शायद ये प्रयास हम करें और लगातार साधु संग करे, कई बार मैं टेलीविजन पर देखता था तो मुझे लगता था कोलगेट वाले डेली क्यों एडवर्टाइज करते हैं, हम सभी तो जानते हैं कोलगेट से करने से दांत चमकते हैं, कोलगेट हम खरीदते भी हैं, उनका तो पर्पस सर हो जाता है, पर नहीं, कोलगेट को बार 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 कह के आपको याद दिलाते हैं कि आप अगर इसको बार बार करेंगे, डेली करेंगे, दिन में 2 बार करेंगे तो आपके दांत चमकेंगे। इसीलिए साधु संग बोला जाता है
कि जब आप करते हैं और उसके बाद में उनकी बताई हुई शिक्षाओं को, उपदेश को अपने अंदर ढालते हैं, तो सही मायने में आप साधु संग और हरि नाम का प्रसाद अपने घर लेकर जाते हैं और अपने जीवन में उसको अपनाते हैं। और अपनाने से, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरा प्रोफेशन साइकियाट्री का, मानसिक रोग मेरे पास अक्सर देखने को आते हैं। तो जब हम लोग शुरू में, आज से बहुत साल पहले, सन 1976 में मैंने एमएमसी से एमबीएस किया, तो मेरे प्रोफेसर ने एक सवाल, हम लोग 180 स्टूडेंट थे, इमरजेंसी के बाद का जमाना था, और सबको स्टेज पे बुला के एक सवाल पूछा, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? तो सबके जहन में जो उत्तर आया, किसी ने कहा मरीजों की सेवा के लिए, किसी ने कहा पैसे कमाने के लिए, किसी ने कहा विदेश जाने के लिए, किसी ने कहा अच्छी पत्नी लाने के लिए, वगैरह वगैरह। पर उसका निष्कर्ष जब निकाला तो 70% लोगों का ये था कि देश सेवा के लिए। अब यही सवाल मेरे प्रोफेसर ने 1980 में जब हम लोग एमबीबीएस फाइनल में आ गए तो पूछा कि अब आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? तो जानेंगे कि उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ। चार साल में 80% लोगों का उत्तर था पैसा कमाने के लिए, विदेश जाने के लिए। और जो देशभक्ति थी या जो मानव सेवा थी वो 10% पर आके खिसक गई, यानी एकदम उल्टा हो गया। तो मैंने भी जब शुरू में प्रोफेशन शुरू किया, मैं भी अनजान था, मेरे को भी लगा कि इस प्रोफेशन से आप मरीजों को ठीक करते हैं, पैसा लेते हैं, शायद यही डॉक्टरी का काम है। धीरे धीरे प्रभु कृपा से, संत लोगों की कृपा से क्लिनिक चला, तो मुझे लगा कि क्या आप बस पैसा ही कमाते हैं? क्या मरीज को केवल आप दवा ही देते हैं? वास्तव में इसको क्या करते हैं आप जब आप मानसिक रोग ठीक करते हैं? तो सबसे पहले जो मुझे कई मरीजों ने बोला और मेरी माता बहनों ने कई बार बोला कि डॉक्टर साहब, मैंने पहली बार देखा पति कैसा होता है, इससे पहले तो ये पागल से थे, इससे पहले तो ये घर में रहते थे, कुछ करते ही नहीं थे। तो मुझे लगा कि वो अगर देखा जाए तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्रोफेशन के साथ में मानव सेवा कर रहे हैं, जिससे कि वो एक अच्छा मानव बन सके, उसके अंदर धैर्य आए, पेशेंस आए, सहनशीलता आए, दूसरे को बर्दाश्त करने का पावर आए। और अगर वो दूसरे को बर्दाश्त करता है तो तभी तो वो देखेगा कि कोई भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं, चाहे डॉक्टरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे दुकानदार चला रहे हैं, कि आप वास्तव में सामने वाले को अगर कोई सुविधा दे रहे हैं तो एक उसे अच्छा इंसान बनाने की तरफ ला रहे हैं। और सबके भीतर ठाकुर, तो एक तरह से देखा जाए तो ठाकुर की सृष्टि के जो मनुष्य है उनको ही तो ठीक कर रहे हैं। और सबसे अच्छा साधन मैंने तो अपने आप में जाना, मैं 3 दिन बाहर भी जाता हूं, तो पहले मुझे लगता था कि 2 घंटा ड्राइवर गाड़ी चलाता था, मैं बैठा रहता था, कुछ समय नहीं आता था कैसे 2 घंटे का सफर करके। पर मुझे लगा ये 2 घंटा धीरे धीरे मेरे कुछ अच्छे वैष्णव लोग, अच्छे गुरु, जिनसे लगा कि आप 2 घंटा हरिनाम क्यों नहीं करते हैं, आप तो माला काफी कर सकते हैं 2 घंटे में, और आपको 2 घंटा सफर में लगता है, मुझे लगा कि ये करना चाहिए। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि सहन शक्ति, टॉलरेंस, पेशेंस, क्रोध के ऊपर आपको काबू, और आप जो किसी को ठीक कर रहे हैं तो उसको एक अच्छा मानव, एक अच्छा भगवान की सेवा में बनना है हुआ इंसान बनाते, तो मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा काम शायद मैं बहुत छोटा करता हूँ और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरे की सेवा करते हैं और उसको अच्छा इंसान बनाते हैं तो वो ठाकुर की सेवा में, महाराज के दिए उपदेश को अच्छी तरह से फॉलो करेगा। और मुझे लगता है कि शायद, मुझे तो अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है,
पर मेरे अंदर खुद के अंदर परिवर्तन आया। और अब जब मैं किसी को देखता हूँ, किसी को ठीक करता हूँ, तो मुझे लगता है ठाकुर के बनाए हुए इंसान को आप ठीक कर रहे हैं, उसको अच्छा कर रहे हैं। वो आपका मरीज तो है, लेकिन एक बनाया हुआ इंसान भी है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बाद में वो भी बड़ा होकर अपने परिवार को, अपने भगवान को, अपने महाराज को मानेगा, कुछ ना कुछ अच्छा काम हमारी सोसाइटी के लिए करेगा। तो मुझे लगता है कि सभी को हरिनाम करना चाहिए, सभी को साधु संग करना चाहिए। इसका प्रभाव आप खुद ही अपने आप में महसूस करते हैं। मुझे इससे ज़्यादा नहीं आता है, बस इतना ही आता है। आशा करता हूँ मेरी गलती को क्षमा करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ, अभी हम लोग को गिरिराज जी कथा सुनेंगे। हमारे यहाँ पर दो तीन भक्त हैं, वो थोड़ी थोड़ी कुछ कथा सुनाएंगे, उसके बाद में फिर गिरिराज जी कथा सुनाएंगे। तो जाओ, कौन बोलने, तो खड़े जाओ, जल्दी जल्दी जो ना, जल्दी जल्दी आओ, खड़े खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। हाँ, फटाफट बोलो। देखो ये लोग आप लोग जैसे हैं, लेकिन ये लोग घर में रहते हुए भी देखो तिलक लगाए, गले में कंठी है, अपना बच्चों को भी पालती हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। हम घर में रहते हुए कैसे भक्ति करनी चाहिए, हमारे जीवन कैसे सुखमय हो, जीवन कैसे शांतिमय हो, ये लोग हम इनको यही बात बताए, तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया भक्ति करते हुए, बात बताओ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नितिला प्रवेश विष्णुपाद परमहंस अष्टोदश भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, अपने अपराधों की क्षमा चाहती हूँ और मंच व्यासीन महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम और आप सभी वैष्णव वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं पहले बोलने से पहले क्षमा मांग लेती हूँ कि मुझे कुछ आता नहीं है, मगर महाराज जी ने कहा है तो मैं कुछ बोल रही हूँ। मगर जैसे एक बच्चा होता है ना, वो अपने माता पिता के सामने कुछ बोल देता है, कुछ गलत बोल देता है, तो माता पिता उसे क्षमा कर देते हैं। तो आप लोग भी, आप सभी मेरे से बड़े हैं, मेरी माता हैं, तो आप भी अगर मेरे से कोई बात गलत लगी हो तो प्लीज आप मुझे पहले क्षमा कर दीजिएगा। देखिए, मैं कुछ आता था तभी। देखिए, आप महाराज जी से हम 6 दिनों से कथा सुन रहे हैं, तो हमारी कथा का हम सार क्या निकल रहा है, हमारा देखिए क्या सार निकल रहा है कि हम लोग कथा सत्संग सुनते हैं टीवी पे, हम इतना तो हम जानते हैं, थोड़ा बहुत सभी सुनते हैं। तो क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जिस प्रकार शरीर की खुराक क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 मेन उसकी खुराक है। और तो अब बहुत सारे विषय भोगों को हमने अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया है कि एसी टीवी मोबाइल, ये ठीक है, मगर इनके बिना हम रह सकते हैं, मगर रोटी के बिना, कपड़े के बिना और मकान के बिना हम नहीं रह सकते। उसी प्रकार आत्मा की क्या खुराक है, भगवान का भजन, भगवान का हरि नाम। जब तक इस शरीर को उसकी खुराक नहीं मिलती तो शरीर मर जाएगा। इसी प्रकार जब तक आत्मा को उसकी खुराक हम नहीं देंगे तो हमारी आत्मा धीरे 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 करके कब डेड हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। देखिए, जिस प्रकार से 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें क्या पशु पक्षी, 84 लाख योनियां हम सभी जानते हैं कि 30 लाख बार हम पशु बनते हैं, जलचर बनते हैं, सब बनते हैं। उसके बाद 4 लाख योनियां ही होती हैं मनुष्य की, उसमें भी बहुत ही मुश्किल से एक सो दुर्लभ क्या होता है कि हमारे को गुरु का सत्संग मिलता है। तो हम पे भगवान की जब कृपा होती है तो हमें गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं। मगर हम देखे पशु पक्षी या जितने भी हैं उनमें और हम में क्या अंतर है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। देखिए, जो हम बोल रहे हैं हम अपनी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रों में जो लिखा गया है वही आपको बतला रहे हैं। ये शास्त्र का ही श्लोक है कि पशु पक्षी या जितने भी 84 लाख उनमें जितने भी सब हैं और मनुष्य हैं, हम में क्या सब, हम में सारी वही समानता है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं,
उन्हें भी अपनी मृत्यु का भय है, हमें भी अपनी मृत्यु का भय है, और वो भी विषय भोग करके बच्चे पैदा करते हैं और हम भी बच्चे पैदा करते हैं, तो उनमें और हमें अंतर ही क्या रह गया? बस यही अंतर है कि हम भगवान का भजन करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। अब भगवान के धाम को जाना क्यों जरूरी है, क्यों जाना है? हमने भी यहाँ पे बैठ कर मजे से रह तो रहे हैं, मगर ये हम अपने अपने दिल से पूछे क्या मजे से रह रहे हैं? थोड़ी देर का सुख है, उसके बाद फिर दुख की एक लंबी लाइन है। कभी हम तन से दुखी हैं, कभी मन से दुखी हैं, और कभी धन से दुखी हैं। यहाँ पे बैठा हुआ एक व्यक्ति भी कह सकता है कि इन तीनों में से कभी मुझे इन तीनों का कभी अभाव ही नहीं हुआ है। कभी हमारे तन में रोग है, चलो मैं ठीक हूँ तो मेरा पति बीमार है, पति भी ठीक है तो बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार नहीं है तो कोई परिवार का सदस्य और कोई बीमार है, तो हर किसी ना किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही है। कभी हम धन से हो जाते हैं और मन से तो हम बात छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, मन तो हमारा हमेशा ही दुखी रहता है। कभी किसी ने कुछ छोटा सा कह दिया, हमारी सहनशीलता बिल्कुल चली गई है, छोटी छोटी बातों से हम दुखी हो जाते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि हमारी आत्मा जो हम सचमुच में है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, क्योंकि हम अपनी आत्मा को उसकी खुराक नहीं दे रहे हैं, इस कारण से हम इतना ज्यादा दुखी हैं। जब हमें ये एहसास हो जाएगा कि नहीं हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो हमें ये सब दुख नहीं सताएंगे। और इसको ये इन सब चीजों से ऊपर जाने का क्या है, सिर्फ भगवान का नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐ कैवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, अर्थात भगवान का नाम, भगवान का नाम और भगवान का नाम ही कलो अर्थात कलयुग में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए हर व्यक्ति है वो आज क्या चाहता है, सुख चाहता है या दुख चाहता है? कोई है ऐसा जो कहते हैं कि मैं दुख चाहता हूँ? कोई भी नहीं चाहता, सब सुखी रहना चाहते हैं, मगर क्या है ढूंढ क्या रहे हैं, जा हमेशा प्रयत्न क्या कर रहे हैं कि दुख के लिए, और चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए। जाएंगे अग्नि के पास और कहेंगे नहीं हमें शीतलता मिल जाए, नहीं। भगवान ने गीता में खुद बताया है कि ये जो मृत्यु लोग ये बनाया है इसका नाम ही उन्होंने दुखालय लिखा है। जिस प्रकार औषधालय होता है उसमें औषधि मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, इसी प्रकार भगवान ने इसे बनाया ही दुखालय है कि ये दुखों का ही घर है। वो इसलिए दे रहे हैं कि बस तुम इनसे छुटकारा पाके कि तुम्हें एहसास हो कि भाई ये दुखालय है और मुझे अपने घर वापस जाना है, अपने भगवान के पास जाना है। इसलिए वो हमारे को नाना प्रकार के हमारे को दुख मिलते हैं, और हमें अब इन दुखों से आगे हमें बताएगा कौन, ये साधु ही है जो हमें बताते हैं कि हम भाई ये हम यहाँ के जीव नहीं है, हम वहाँ के भगवान के धाम के जीव हैं, और हमें किस प्रकार से उनके पास जाना है। देखिए हर चीज की एक प्रोसेस होती है, जिस प्रकार से बच्चा है छोटा पढ़ाई कर रहा है उसका एक साल का उसका एक पूरा कोर्स दिया गया है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है उसका एक पूरा कोर्स दिया गया है, तो इस प्रकार हर चीज की एक प्रोसेस होती है। तो इसी प्रकार भगवान के पास जाने की क्या प्रोसेस है वो हमें साधु बताएंगे। मोटा मोटा उन्होंने हमें महाराज जी ने बताया है कि हरि नाम किस प्रकार करना है, किस तरीके से एकदम हम भगवान का नाम भी कोई भी है ना आप लीजिए आपका मन ही नहीं लगेगा, दो माला एक माला नहीं आप बैठ के कर सकते हैं, तो आप जब करेंगे तो साधु हमें बताएंगे किस प्रकार से हरि नाम करना है, किस प्रकार से हमारे को हमारे जो दुख कलेश हमें परेशान करेंगे तो हमें उसको भी नहीं ध्यान में रखना है और उससे हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। और उसके बाद महाराज जी ने जैसे कहा कि आप अपना अनुभव बताइए, तो देखिए हमारे जितने भी संत हैं हमें यही बता रहे हैं कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम को पकड़ना है। हम भी हैं, हम मैंने भी शादी भी करी है, बच्चा भी है, साथ में भगवान के नाम को भी कर रही हूँ। बस छोड़ा क्या है, टीवी देखना छोड़ दिया है, टीवी से जो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है बस वो देखना छोड़ दिया है। अब ये नहीं कह रहे आप सब बिल्कुल छोड़ दो, थोड़ा कम करो, गंदी मैगजीन फालतू में घंटों फोन पे रख के अपने चाहे माता से चाहे अपने रिश्तेदारों से निंदा चुगली कर रहे, वहां से घर का काम भी करते हैं, रोटी सब्जी सब बनाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बस छोड़ा क्या है टाइम, फिर कैसे? लोग कहते हैं सर टाइम नहीं है, टाइम मैंने यहीं से निकाला और जितने हमारे भक्त हैं वहीं से निकालते हैं। टाइम क्या है, फालतू का टीवी देखना छोड़ दिया है, फालतू की निंदा चुगली छोड़ दी है, इन सब चीजों से टाइम निकाल कर फिर हमने वो टाइम है कि जो हमने अपने भगवान को या हमने अपने भजन साधन को दिया है। और अनुभव तो ऐसा है कि इसका कुछ अनुभव को हम बता नहीं सकते कि सच्ची में, जैसे अभी पीछे प्रभु जी ने कहा कि सहनशीलता क्रोध जो पहले बहुत ज्यादा था, अब ये नहीं कहूंगी बिल्कुल खत्म हो चुका है, मगर हाँ धीरे धीरे उस पर बहुत कंट्रोल है, बहुत शांति लगती है अपने मन में। पति या कुछ भी कोई बात हो जाती है तो एकदम ऐसे
पहले हो जाता था कि एकदम खून खौल जाता था, अब मैं इसको कैसे नीचा दिखाऊं। इसने मेरे को एक बात कही, अब मैं कैसे इसको जो है नीचा दिखाऊंगी और कैसे मैं इसे बदला लूंगी। तो वो चीज मन में नहीं रही है। शांति जी, पति भी कुछ कहता है तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मुझे हरिनाम करना है तो हरिनाम के लिए मुझे अपना मन जो है शांत चाहिए, चलो इन्होंने कोई बात कह दिया तो मैं उसको टॉलरेट कर लेती हूँ। इससे क्या घर परिवार में ऑटोमेटिक शांति हो जाती है। ये तो पति ने कुछ कह दिया, फिर चार बातें मैं सुनाऊंगी, आठ बातें वो, और उसके बाद एक बातों का, एक लड़ाई का, क्रोध का एक सिलसिला ही चालू हो जाता है जो एक बहुत आगे बहुत मुश्किल से रुकता है। तो उसमें सभी चीजों में चाहे क्रोध हो, सहनशीलता हो, उसमें काफी हद तक काबू आ जाता है। ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये तो मैं नहीं कहूंगी, वो भी क्योंकि धीरे 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 ये सब चीजें जाती हैं। कोई क्योंकि हमारे वैष्णव लोग ही हमें बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारी करोड़ों जन्मों की वासनाएं हैं जो मतलब एकदम से वो नहीं हट सकती हैं, वो धीरे 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 ही वो हटती हैं। तो भगवान के नाम ने हमारी जिंदगी को जिस प्रकार से बहुत कल्याण में किया, तो हमने जो है मेरे हमारे भैया ने जो ये रखा है भागवत कथा, ये हम सब ने आप लोगों के लिए, हम सबके लिए ही रखी है कि प्लीज हम भगवान के नाम के साथ जुड़े। घर को नहीं छोड़ना है, पति बच्चों किसी को नहीं छोड़ना है, सिर्फ भगवान के नाम के साथ जुड़ना है, उनके भगवान का नाम लेना है, हमने भगवान के नाम के साथ जुड़ना है। तो यही कह के मेरे को कुछ मेरा गलत लगा तो क्षमा कीजिएगा। भगवान शंकर जी की जय। हरे कृष्ण। और खड़े हो जाओ। हाँ देखो, ये बड़ी बहू, ये अभी छोटी बहू है, ये भी डॉक्टर है, ये फिजियोथेरेपी का, ये भी डॉक्टर है। और ये जो कथा हो रही ना, इन लोगों ने घर घर में गए और सबको प्रार्थना की है, सब लोग कथा सुनने के लिए आओ। इन लोगों ने अथाह प्रयास की है, जैसे ये श्रीमद् भागवत कथा हो, इसलिए ये दोनों ही अच्छे लिखे पड़े, दोनों ही बहू, एक घर की बहू, और दोनों मिल करके अब सोच नहीं सकते ये इतने साधु संतों की सेवा भक्ति। देखो दोनों तिलक लगाए, ऐसे नहीं, अरे हम तिलक कैसे लगाएंगे, गले में कंठी कैसे बांधेंगे। देखो ये तिलक, इधर घूम कर खड़े हो जा, देखो ये तिलक लगाए कैसे, गले में तुलसी की कंठी बहेगी, हाथ में माला, जब पूछो एक लाख करके हरिनाम करती है, चौसठी चौसठी माला करती है रोज रोज ये। इसलिए ये लोग हर गृहस्थी करते हैं, करते हुए भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए ये भी थोड़ी कुछ बोलेगी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकेन लिखितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद भक्तिविदान श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु वर्गों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और जीव मात्र के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। देखिए यहाँ पर बहुत सीनियर वैष्णव हैं, गुरुदेव हैं, आपको बहुत दिनों से भागवत कथा बता रहे हैं, सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं, तो आप प्लीज उनकी हर बात को शिक्षा ग्रहण कीजिएगा और अपने जीवन में आचरण करने का, पालन करने का विचार कीजिएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, लेकिन जो मैंने वैष्णवों के साथ रह के, मेरी भाभी हैं पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की शिष्य हैं, नवीन प्रभु पूज्यपाद भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, मेरी ननंद है इंदु दीदी, राणो दीदी, मेरी आंटी जो घर में काम करती हैं, इन सबसे जो मैंने सीखा और मैंने जो गुरुवर्ग के विचार थोड़े सुने, मैं उसी के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि दीदी ने बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। देखिए हम कब समझेंगे कि हम आत्मा हैं, जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरे ये सब चीजें रहेंगी तो हम अपने आप को आत्मा नहीं समझ सकते। उन्होंने डाइट के बारे में बताया, लेकिन हमारी जो आसक्ति शरीर से, क्योंकि हमारे अंदर देह आसक्ति है, देह आसक्ति का मतलब हम समझते हैं हम शरीर हैं। देखिए ये कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, माला कैसे करेंगे, जो हमारे गुरुदेव है पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो अपनी हर कथा में कहाँ आ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कहते हैं आत्मा को प्रसन्न करने का सहारा क्या है। देखिए हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, हमारी इंद्रियां हैं जो हमें भजन नहीं करने देती, वो क्या है, सेंसेस, फाइव सेंसेस, आंख, नाक, कान, हमारा मन, ये हमें भजन नहीं करने देता। तो आप क्या करो, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को वैष्णव सेवा में लगा दो।
जब आप वैष्णव सेवा करोगे तो क्या करेंगे, मन जो है भगवान के भजन में लगना शुरू हो जाएगा। आप क्या करो, खूब वैष्णव सेवा करो, वैष्णवों के लिए प्रसाद बनाओ, उनकी सेवा करो। और हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी जिनका चित्रपट उधर है, वो कहते हैं तुम लेबर की तरह काम करो, एक सेवा खत्म हो गई। घर का हम जो भी काम करें उसको ये ना समझे कि हम काम कर रहे हैं, हमारा शरीर दुख जाएगा, ये हो जाएगा। आप उसको समझो कि ठाकुर जी का घर है और ठाकुर जी की सेवा करनी है। शौच शौचालय साफ करना है वो भी मेरे ठाकुर जी का है। तो वो कहते हैं कि लेबर की तरह काम करो, जब एक सेवा खत्म हो जाए तो बैठो मत, दूसरी सेवा हो जाओ, फिर तीसरी सेवा करो। तो उनकी उनके जो बायोग्राफी है उसमें भी एक कथा आती है कि एक बार उन्हें बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर था, लेकिन उनके गुरुपाद पद्म ने बोला कि तुम्हें कुछ वैष्णव लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रचार करना है। तो उन्होंने विरोध नहीं किया या उन्होंने कोई सफाई नहीं दी कि बीमार हूं। तो हमें ऐसे बनना है, हमें इसे नहीं देखना, क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से, हमारे पूर्व जन्मों में जितने भी हमने कर्म किए हैं उसकी वजह से हम आज इस स्थिति में है। हमें ऐसा घर क्यों मिला, हमारा विकासपुरी में ही क्यों रहे, हमारे यहीं पे जन्म हुआ, यही मेरी मैया क्यों है, यही मेरे पिताजी क्यों हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम लोग हर संडे ठाकुर जी की पालकी यात्रा भी इसीलिए निकालते हैं, ये क्योंकि मेरे गुरुदेव की सेवा है मेरे लिए, और ये हम निःशुल्क निकालते हैं ताकि हम सबको बता सकें कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, कैसे हम प्रचार इसीलिए करते हैं। मैं नहीं, नवीन कृष्णदास प्रभु जी जो हैं, उन्हीं से मैंने जो भी सीखा है सिर्फ उन्हीं से सीखा है, और मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। और भगवान की भी मुझ पर कृपा है, क्योंकि मैं ऐसे घर में आई कि ठाकुर जी हैं और सब वैष्णव लोगों के बीच में मैं रहती हूँ, मेरा साधु संग हो रहा है। तो एक चीज मैंने किया, मेरे को ऐसा परिवार क्यों मिला, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, विघ्न के भगवान जी के सामने आप लोग प्रार्थना करो, कहते हैं प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, क्या करो भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना, भगवान मुझे निष्कपट बनाओ, मुझे सरल बनाओ, मुझे अपने शुद्ध भक्तों का संग दो, और मेरी जो देहात्म बुद्धि है उसको खत्म कर दो, मेरा चिंतन सदैव आप में बना रहे। और लास्ट बात ये कहूंगी कि जो मेरे गुरुदेव हैं वो इतने 6 दिनों से हम लोगों को श्रवण करा रहे हैं। देखिए माला तो करेंगे, हरिनाम तो करेंगे, लेकिन अगर आप खाली अपने आप माला लेके हरिनाम करेंगे उससे उतना कल्याण नहीं होगा जितना अगर आप किसी गुरु के अंडर गाइडेंस में आके हरिनाम करेंगे। तो कहते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो हर जन्म में मिलते हैं, 84 लाख योनियां होती है, हम कभी गधे बने होते हैं, कभी सुअर, कभी अपने अपने कर्मों की वजह से। और ऐसा भी नहीं कि हमारा अगला जन्म मनुष्य का कोई गारंटी नहीं है। तो कहते हैं फटाफट से जन्म, शास्त्रों में कहते हैं फटाफट से, जब समझ आए कि ठाकुर जी का भजन करना है तभी से करो। देखो मेरा ना कुछ रिलेट नहीं हो रहा, मेरे मन में जो आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि नादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गुरुदेव ने भी बताया कि जो परम ईश्वर है, जो मूल है, जो कंट्रोलर है, वो कौन है, कृष्ण भगवान। जब तक आप कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करोगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आज करो, 10 साल बाद करो, 1000 साल बाद करो, 84 लाख योनियों के बाद करो, आपको किस पे आना पड़ेगा, मूल कृष्ण भक्ति पे आना पड़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कहते हैं हर जन्म में क्या होता है, हमारे माता पिता होते हैं, लेकिन गुरुदेव जो होते हैं, गुरुदेव कौन होते हैं, गुरुदेव एक ही होते हैं जो हमें जन्मों जन्म से ताड़ देंगे। गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे जितने भी पाप होते हैं ना, गुरुदेव उनको काट देते हैं और क्या करते हैं, हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। बिना गुरुदेव के हमारा जो नाम लेना भी होगा वो उतना सफल नहीं हो पाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरु धारण कीजिए। हमारे बीच में पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी आए हुए हैं, ये सौभाग्य हमें मिले ना मिले, किस जन्म में मिले, है ना, तो आप फटाफट से कर लीजिए। तो बस मैं यही बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा करते सुबह कृष्ण है, सुबह कृष्ण, सुबह कृष्ण, आप बोलोगे, हाँ हरे कृष्णा। कल हमारी कथा का विश्राम का दिन है, कल हमारी कथा कभी समाप्त नहीं होता है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कल कथा की विश्राम दिन। लेकिन कल आप लोग से एक प्रार्थना है
कल मैं रसिया जाऊंगा, इसलिए मेरे को यहाँ से 7:30-8 बजे यहाँ से निकलना है, क्योंकि मेरे फ्लाइट करके 11 बजे ऐसे कुछ फ्लाइट ही है, कम से कम 3 घंटा पहले मेरे को वहाँ पहुँचना पड़ेगा। इसलिए कल आप लोग से प्रार्थना है, कल जो कथा हम लोग कथा कल जैसे कुछ दिन पहले पास में भी कथा हो रही थी, हमने सुना वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा होती थी, है ना? आप लोग कथा में जाते होंगे, 2 से लेकर के 5 बजे तक कथा होती थी, इसलिए कल आप लोग 2 बजे आ सकते हैं। आप लोग 2 बजे कथा सुनने आ सकते हो? कौन कौन आ सकते हो, हाथ उठाओ तो। हाँ देखो, जो कल है, कल कथा की विशेष महत्व है। कहते जो व्यक्ति 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाए, नहीं तो आधी कथा में आए, लास्ट में आए, लेकिन जो अंतिम कथा को जो सुन लेते हैं, उनको 7 दिन कथा सुनने का फल उसको मिल जाती है, 7 दिन। इसलिए कल मैं एक सुंदर स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्टोरी है जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुना दिए। परीक्षित महाराज का माँ का नाम थी उत्तरा, उनको एक ही लौटा बेटा परीक्षित, वो बड़ी दुखी थी, मेरे एक बेटा शरीर छोड़ने वाले और अंतिम समय में उनको तक्षक दंशन करेगा। उनकी माँ भी वहीं पर बैठ करके कथा सुन रही थी। जब कथा विश्राम हो गई, उनके माँ ने पूछा, बेटा ये सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक कितने सारी कथा सुनाए, मैं स्त्री जाति, मेरे पल्ले में तो कुछ पड़ा ही नहीं, इसलिए मेरे लायक तुम कुछ कथा सुना दो, थोड़ी सी समय में ऐसे कुछ सुनाओ, कम से कम मेरे को पता चले वो क्या बताना चाहते थे। तब उन्होंने थोड़ी समय में एक सुंदर कथा सुनाई, जिसका नाम है बृहद भागवतामृतम। हमारे एक सनातन गोस्वामी हुए, बड़ा सुंदर उन्होंने कथा सुनाई, इसलिए कल ये कथा मैं सुनाऊंगा। वो कथा सुनने से बृहद भागवतामृतम, भागवत बृहद है लेकिन उसका सार वो कथा है, अगर उसको कोई सुन लिया ना, आपको 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाएगी। पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब क्या, जो आप लोग मांगोगे। इसलिए पद्म पुराण में कहते हैं, जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन उसे धन प्रदान करता है, जो संतानहीन उसको संतानहीन उसको संतान प्रदान करती है, जो मोक्षकामी उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, जो भक्तिकामी उसके भक्ति प्रदान करती है। मतलब जो कुछ आप मांगोगे वो सारी इच्छाएं भागवत पूरी कर देती है, इसलिए इसको कल्प वृक्ष बताया। इसलिए कल का जो कथा सुन लेगा वो पूरे 7 दिन का कथा सुनने का फल मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, अगर आप लोग 2 बजे आ जाओगे तो बहुत अच्छी रहेगी, फिर हम जितने दूर हो सकता है हम कोशिश करेंगे कथा सुनने के लिए। ठीक है, अभी प्रभु जी बोलो। हाँ प्रभु जी, आपको 2 मिनट कुछ सुनाएंगे, नवीन प्रभु है। हाँ देखो, ये 5 तारीख को ये लोग बस लेकर के श्री गिरिराज गोवर्धन जाएंगे। आज हम लोग गोवर्धन की कथा सुनेंगे। ये गिरिराज और कोई नहीं, ये बांके बिहारी है। जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे ठाकुर जी उसको पीछे 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 ठाकुर जी घूमते रहते हैं, इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, क्या हमसे मांगेगा। जो उनको मांगो गिरिराज उनको सब कुछ इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब सारे इच्छाओं को ये गिरिराज जी पूरी करने वाले। जो लोग जाना चाहते हो, यहाँ पर गेट में कौन खड़ी रही है वहां पर नाम आप लोग दे जाना, इनको पता चले कितने भक्त लोग जाएंगे, उसी हिसाब से लोग बस करेंगे। कौन कौन खड़े रहेगा वहां पर, तो अकेला करेगा तो अकेला इधर देखेगा ना उधर का, तुम लोग कोई दायित्व लो, जो वहां पर कोई कापी लेकर खड़े हो जाओ और उनका नाम लिख लेना कौन कौन जाना चाहते हैं, फिर तो उसी हिसाब से ये लोग बस कर लेंगे। बोलो। ओम ज्ञानतिमरंदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशुमद् भक्ति वेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षं महोदरे महोदरे गुणेशं युक्तं वर्णं वर्ण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वं श्रीधाम नमामि। सब लोग मेरे पीछे एक बार बोलेंगे, सब लोग देते जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत, श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर श्रीवासादी, श्रीवासादी गौर भक्त वृंदा, गौर भक्त वृंदा। एक बार फिर सब बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम, राम हरे हरे। अब देखो आप सब लोगों ने हाथ खड़े किए ना, इसका मतलब क्या है, जैसे स्कूल में कब पनिशमेंट मिलती है हाथ खड़े करने की, तो हाथ खड़े करने का भाव क्या है कि भैया हम संसार से थक चुके हैं, हे प्रभु आप मुझे, मैं तुम्हारे आपकी शरण में आता हूँ, आप हमें स्वीकार कर लो। कभी कोई नदी में डूब रहा हो तो सबसे पहले क्या करता है, अपने हाथ खड़े करता है, भैया मेरा कोई भी देख ले मुझे बचा ले। तो हमारी स्थिति ऐसी है, और कभी कोई कहता है ना हैंड्स अप, क्यों, बिल्कुल आप हाथ खड़े कर दो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने उनके शरण में आ गए। तो हम ये शरणागति भगवान के प्रति करनी चाहिए। आज का दिन क्या है, 31 दिसंबर, तो क्या जा रहा है, एक साल जा रहा है और आने वाला नया साल, तो हमें संकल्प करना है कि आने वाले साल हमारा हर दिन खुश हो, आबाद हो। और वो कैसे होगा, सड़कों पे देखो लोग जा रहे हैं क्लब में, पार्टी में, फंक्शन में, है नाचना कूदना, क्योंकि नया साल मनाने के लिए, नया साल के स्वागत के लिए। और हम नया साल का स्वागत कैसे कर रहे हैं, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। देखो आप सब लोग इतनी ठंड में आए, तो सचमुच आप लोग बड़े बहुत ही अच्छे हैं कि जो अपने समय को आपने भगवान के चरणों में लगाना श्रेयकर समझा। और हमारे जो गुरुजी हैं, अपना समय इनको बहुत डिमांड है, आप यकीन मानिए जगह जगह। और इस कथा के बाद वो विदेश जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, जहाँ -20 डिग्री टेम्परेचर, रशिया में, पूरे वर्ल्ड में इनको कॉल आती है कि यहाँ से आ जाओ महाराज, यहाँ कथा करो, यहाँ कथा करो। देखिए उन्होंने अपना समय निकाला, एक बार आप खुल के दिल से तालियां बजा दीजिए उनके लिए। तो एक रिक्वेस्ट है, क्या आप चाहते हैं वो बार बार आए है? चाहते हैं तो फिर दोबारा तालियां बजाइए। अगर वो बार बार आए तो आपको ना खुद, देखो कुआं प्यासे के पास तो, प्यासा कुएं के पास तो आदमी जाता ही है चल के, है ना, लेकिन यहाँ कुआं प्यासे के पास आ रहा है। तो ये कुआं प्यासे के पास आ रहा है, तो हमारा क्या प्रयास है कि हमारा भी कुछ होना चाहिए प्रयास। केवल एक तरफ से ताली नहीं बजती, दो तरफ से ताली बजती है। अगर हमें जो है, अगर उनकी कृपा चाहिए तो हमें उनके प्रति कुछ भाव भी दिखाना पड़ेगा कि वो बार बार आए। आज सच बताए ना, विकासपुरी का विकास अभी हुआ है, सही बताए तो, है ना। तो विकासपुरी में अगर ये पहली बार कभी ऐसा हुआ कि इस तरह से इतनी मधुर कथाएं हमें सुनने को मिल रही हैं, ऐसी चीजें मिल रही हैं जो कभी हमने सुनी नहीं, और वो भी ऐसे शुद्ध संत के संग में। कहते हैं, पता है, बोलते हैं, गुरु बहव संति शिष्य वित अपहार का, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का, कि ऐसी गुरु तो बहुत मिल जाएंगे शिष्य का धन लूटने के लिए, कहेंगे तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ये मिल जाएगा, वो ये चाहिए वो मिल जाएगा, तो गुरु क्या वो देने आया है? अरे उन्होंने तो संसार छोड़ दिया, वो उससे ऊंची चीज देने के लिए आए हैं। उससे ऊंची चीज क्या है, उनकी प्रिय वस्तु राधा कृष्ण का प्रेम, जिसके बारे में अभी ज्ञात भी नहीं है हमें, वो देने के लिए आए हैं। हम संसार में सुख चाहते हैं, तो संसार का कैसा सुख चाहते हैं, पति का सुख, पत्नी का सुख, प्रिय का, जितने भी प्रिय का सुख, इसका, बेटी की नौकरी, बच्चे का, ये वो, संसार संसार संसार। अरे इससे ऊपर भी तो उठ के सोचो, इससे ऊपर भी तो उठ के सोचो कि केवल यही है। जैसे वो होता है ना कुएं का मेंढक, एक बड़े कुएं का, समुन्द्र का जो है मेंढक, कुएं के पास गया तो कुएं के मेंढक से बोलता है, आ तुझे समुन्द्र में लेके चले। कहते हैं भैया समुन्द्र में मैं क्यों लेके जा रहे हो? कहते हैं समुन्द्र में ना बहुत पानी है। कहते हैं समुन्द्र में कितना पानी है, इससे दुगना होगा? कहते हैं नहीं नहीं दुगना नहीं, बहुत ज्यादा पानी है। कहते हैं कितना पानी है कुएं से? कहते 4 गुना। कहते हैं नहीं नहीं बहुत पानी है। कितना? 10 गुना। नहीं नहीं बहुत पानी है। कितना पानी है? 1000 गुना, 2000 गुना, 10000 गुना, 20000 गुना। अरे वो सारी तुलना किससे कर रहे हैं? कुएं के पानी से। लेकिन उसे पता नहीं समुद्र का कितना है। तो हम संसार के थोड़े बहुत सुखों को सोचते हैं, इतना सुख, लेकिन भगवान के प्रेम का सुख, भगवान की सेवा का सुख, भगवान के नाम का सुख, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ, ये सारे, ये जो हमारी कथा का जो प्रयास है,
वो हमारे की संसार की आसक्तियां हटा करके भगवत प्रेम में लगाना, ये महाराज जी की कृपा का परिणाम है। जो अगर हमारे छीटा बूटा भी अगर आ गया ना, तो हमें कृपा, हमें उनकी कृपा माननी चाहिए सारी कुछ। और ये कृपा जो है ना, उसके लिए हमें समझना चाहिए हमारा कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है। इसलिए बोलते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला और सब ग्रंथों ने इसकी गान किया। और वही तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, क्षितिजन पावा गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। शरीर अदम, लेकिन चीज क्या मिली, सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज क्या मिली, भगवत नाम, भगवत प्रेम, भगवत सेवा। ये सब चीजें देने के लिए महाराज आया। देखो गुरु कौन होता है, जैसे मैंने बताया गुरु वो जो है जो भगवान में लगा रहता है। जैसे एक गुरु है, एक गुरु के पास एक शिष्य गए और कहते हैं महाराज मेरा बेटा बड़ा गुड़ खाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ खाता है, कहते महाराज ये बहुत खाता है, इसको थोड़ा छुड़वा दो। कहते एक काम करना, एक हफ्ते के बाद आना, मैं उसको गुड़ छुड़वा दूंगा। एक हफ्ते के बाद लेकर आई उसकी माँ, कहते हैं आई एक हफ्ते के बाद, तो कहती है बेटा गुरुजी बोलते हैं उसको बच्चे गुड़ मत खाना। वो चला गया, तो वो उसकी माँ ने कहा बेटा गुरुजी आप एक बात बताइए, ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे, उस दिन भी बोल सकते थे। तो कहते हैं कि मैं उस दिन बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, क्यों, क्योंकि उस दिन मैं गुड़ खाता था। आज मैंने गुड़ छोड़ा हफ्ते के बाद, तब जाकर के मैंने इसको बोलने का अधिकारी बना। तो गुरु कौन होता है, जो खुद आचरण करता है। ऐसे बहुत होते हैं संसार की आसक्तियां छुड़ा रहे होंगे, लेकिन खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होंगे। तो ये क्या है, तो इसलिए बोलते हैं आचनोति या शास्त्रमाचार्य स्थापिति स्वयं आचार्य मीरति कीर्तति। तो मतलब गुरु वही जो आचरण करे और संसार को उसे दूर करा करके उसकी सेवा में लगाए। तो हमारा क्या है कि हमारा देखो दो जगत है, एक ये जगत है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, एक जगत है भगवान का संसार। इस संसार में केवल दुख, जैसे दीदी ने बताया कि संसार में क्या है, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख, और तरह तरह के ठंड। अभी कितनी ठंड चल रही है, तो ठंड में बंदे आदमी कड़क रहे हैं अच्छी तरह से। ठंड है, गर्मी है, भूचाल है, आंधी है, तूफान, ये सब के सब दुख इस संसार में है। और वो संसार क्या है, केवल आनंद में। इस संसार में क्या नियम है, इसने मेरे लिए क्या किया, इस तूने मेरे लिए किया गया, तूने मेरे लिए किया गया, तूने मेरे लिए किया गया। उस संसार में एक ही नियम चलता है कि कैसे तो मैं भगवान की सेवा करूं। तो हमारी जो ये भक्ति रूपी यात्रा वो क्या है, इस संसार से में उस संसार तक पहुंचने की यात्रा है। और कैसे कराएंगे, वो गुरु ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। स्वयं भगवान ने इस अपने जीवन में आए और उन्होंने आचरण करके दिखाया, गुरु के शरणों में गए, गुरु के स्वयं कृष्ण भगवान गए, गए या नहीं गए बताइए। ध्रुव जी को कौन कराया, गुरु को मिले, ध्रुव जी को गुरु मिले तब उनको भगवान मिले। प्रहलाद जी को पहले गुरु मिले उसके बाद भगवान मिले। कौन है, नारद मिले ना, उनको तो पेट से ही उनको गुरु मिल गए थे। ध्रुव जी को तो गुरु मिले थे। ऐसे ही जितने भी है, तुकाराम, नामदेव, विट्ठल नाथ, मीराबाई, जिसको ले लीजिए, जिसने भी अपने इस जगत में अपना कल्याण करा, उसको गुरु के नाम से, गुरु से नाम लिया। इसलिए मीराबाई जी कहती है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपना। कि मुझे जो है ना, किसने दिए नाम का रतन, किसने दिया वस्तु अमोलक, ये अमोल धन है, और किसने दिया, और कृपा से उन्होंने, और दिन दिन उसकी बढ़ी है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे कि हमारे मेरे अपने पर्सनल जीवन में आज से 15 साल पहले गुरुदेव का आया आगमन हुआ और मुझे अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लगा। कि मैंने जब इसको लिया तो सच में बताइए तो जीवन में अब ऐसा लगता है कि रोज मंदिर या कथा, कीर्तन, आरती, ये सब कुछ अच्छा लगता है। और जो बुरी बुरी आते मेरे को थी वो धीरे धीरे करके चलती चली गई। तो ऐसे इस हमने देखो कई जगह पोस्टर लगाए हैं नाम के ऊपर, हरि नाम के ऊपर। आप एक बार जरूर पढ़िएगा इसको, अच्छी तरह से पढ़िएगा कि नाम में और जितना लिखा ये भी कमी है। अगर आप कह देना कि नाम की महिमा को कोई गान कर सकता है तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शास्त्र में कहा कि अगर हम एक बार संकल्प लेके गुरु के से लिख करके हम नाम करेंगे तो उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, थाली लगा लेते हैं कि ये बंदा जो है ना, या ये भी जो भी है, ये भगवान के धाम जरूर जाएगा है?
तो ये हमारा जो है संकल्प मात्र करने से भगवान के पास पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। यमदूत तक अपने ना यमराज जी अपने यमदूतों से कहते हैं कि इसने नाम करने का संकल्प लिया है, अब ये मेरे पास नहीं आ सकता। अजामिल ने तो भगवान के उसका नाम नहीं लिया था, अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया था, अपने बेटे का नाम लिया था, उससे उसका कल्याण हो गया। तो सच में जी आप अगर श्रद्धा से प्रेम से अगर नाम करेंगे तो हमारा क्या क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे जीवन में क्या चीजें करनी है, दो तीन चीजें हम जीवन में उतार लें। भक्ति कोई दुर्लभ नहीं है। एक ने पूछा कि भक्ति कितनी है, कहते रब्बा नू की पाना एथे पुट्टे उत्थे लगाना। क्या मतलब है इसका कि हमारी भक्ति इतनी दुर्लभ नहीं है, मां लगानी है। अगर हम खाना खाते हैं क्या करना है, बस सिंपल सा है कि घर में भोग लगा के खाना खाओ, ठाकुर जी को भोग लगा के तुलसी पत्ता डाल के बिना ए? अगर ये समस्या लगती है ना, सोच लीजिए कि डॉक्टर मना कर देगा कि जो तुम्हारे लिए जरूरी है तो आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, गुरु जी ने मना किया या भगवान ने मना किया, वो नहीं। भगवान हमारे इंपोर्टेंट नहीं है, गुरु इंपोर्टेंट है, मतलब डॉक्टर इंपोर्टेंट है। कहते हैं हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। क्यों? जो अपनी आसक्तियां हमारा वो उसमें बची हुई है। तो अगर हम जीवन में दो तीन चीजें धारण कर लें तो समझ लीजिए भगवान बड़े सुलभ हैं। गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रामो नास्तो अस्ति पत्ति वायु न विदते स्वल्पमसि धर्मस्य त्रायतो महतो व्याप्त। कि अगर आप जीवन में भगवान को भोग लगा के खाना खाएं, सदगुरु से हरि नाम ले लें, तो समझ लीजिए। क्योंकि ये भगवान के भगवान एक जगह शास्त्र में लिखा है साक्षात हरि तुम्हें समस्त शास्त्र है, कि ये साक्षात हरि के समान है। और एक जगह लिखा है प्रथम पहले तो गुरु की पूजा कर, प्रथम तो गुरु पूज्यम। तो ऐसे करके अगर हम उनसे हरि नाम लें, थोड़ा सा जाप माला करें, भगवान को भोग लगाएं, एकादशी का फास्ट रखें, तो समझ लीजिए हमारे लिए भगवान कोई दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। ऐसा करते करते स्वयं हमें अपने जीवन में उतार लेंगे। तो को एक छोटा सा जैसे एग्जांपल है कि जैसे पीपल का वृक्ष है और बरगद का वृक्ष है, ये अपने बीच से नहीं उगते। जब एक चिड़िया खाना चिड़िया लेती है और उसके बाद जब उसको छोड़ती है, तो उसको छोड़ने के बाद कहीं पर भी देखो पीपल का वृक्ष या किसी वहां भी उग जाता है, भी उग जाता है या किसी पत्थर में भी उग जाता है। तो उसके बाद जब वो छोड़ती है वहां से ये पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष उग जाता है। कहने का भाव क्या है, हम करें लेकिन गुरु के मुख से लेकर के करने से उसका असर कई गुना ज्यादा हो जाता है, कई गुना ज्यादा। जैसे एक बंदूक की गोली ऐसे मारो तो असर नहीं करेगी, लेकिन बंदूक पे रख के करोगे तो सीधा आदमी को मार देगी जान से। तो ऐसे ही हमें कुछ नहीं करना, भगवान गुरु से माला लेकर के माला जाप करें और क्या करें, भगवान का नाम जाप करें, एकादशी का फास्ट रखें, भगवान को भोग लगाएं, और ये इतना छोटे छोटे साधनों से, और भक्तों का संग करें और प्रयास करें कि हमारे यहाँ जैसे KG1 में जो यहाँ पर सत्संग हो रहा है ये चलते रहें, हरिनाम पालकी यात्रा चलती रहे। और हमारा जो एकादशी का भी किसी घर में प्रोग्राम हो अगर इच्छा हो तो ऐसे करके हम इस सत्संग को और बढ़ाएं। इसी के बाद में अपने वचनों को विराम देता हूँ। वांछा करते कृपा सिंह देव पति का नाम तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। हाँ देखो ये नवीन प्रभु, आप इनको जानते हो सब? कौन कौन आप इनको जानते हो? हाँ, इसने इसने यहाँ पर ये दोला निकाला है, घर घर में भक्तों को ले जाते हैं, घर घर में ठाकुर जी को घर घर में ले जाते हैं, लेकर के घर घर में ठाकुर का नाम कीर्तन करवाते हैं। इसकी अथा प्रयास से देखो ये पहले मॉडलिंग करता था, हैं पहले अच्छे काम भी किया उसने, लेकिन उसको पत्नी भी वो भी डॉक्टर है, लेकिन उनने सारे काम धंधा को छोड़ करके इन्होंने भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन को दे दिया। बोले हम तो भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन को देंगे, दूसरों को कल्याण हो, घर घर में शांति सुख हो, इसलिए इसी चेष्टा से उसने ये सब काम किया है। इसलिए ये चाहते हैं जैसे ये ठाकुर जी को कब कब ले जाते हो? संडे को। ये संडे संडे को जो लोग घर में बुलाते हैं, हम चाहते हैं ठाकुर जी हमारे घर में आए, घर में भगवान का कीर्तन हो, ये कोशिश करते हैं हर संडे को कहीं ना कहीं ले जाने के लिए। अगर आप लोग कोई चाहते हो हमारे घर में ठाकुर आए, कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं, हमारे घर में आए ठाकुर जी, किस घर में आए, बड़े भाग्य से घर में कोई ठाकुर जी आते हैं, घर में थोड़ा हरि कीर्तन करते हैं, घर में थोड़ा सत्संग करते हैं। जिस घर में भगवान का नाम कीर्तन हो वो घर नहीं, शास्त्र कहते हैं वही वृंदावन धाम।
कितना मंगल भवन अमंगला हरि। घर में कीर्तन होगा तो घर का जितने दुख कष्ट आपके दूर हो जाएगी। भगवान का कीर्तन से ठाकुर आने से घर में शांति सुख आएगी। इसलिए इधर सामने आ जाओ। इसलिए इसने सब कुछ छोड़ करके उन्होंने भगवत प्रचार में अपना जीवन को लगा दिया। इसलिए आप इनको सब आशीर्वाद दो सबके सब। जैसे ये काम को ये कर सके, ये चैतन्य महाप्रभु का यही भविष्यवाणी था। घर घर में ठाकुर का नाम गूंज उठे, घर घर भगवान का धाम हो जाए। इसलिए इनकी परिवार और इनको साथ में सुबह कृष्ण प्रभु यहाँ पर कुछ भक्त लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं भी ठाकुर जी का प्रार्थना करता हूँ, इनको खूब ठाकुर जी शक्ति दे और खूब भक्ति दे और खूब इनको ऊपर में ठाकुर का कृपा वर्षण करो। अभी इसको बाद में हम लोगों ने गिरिराज की कथा सुनेंगे। सबके सब प्रसाद लेकर के जाना और गिरिराज यहाँ पर बड़े सुंदर गिरिराज बनाए। आप लोग जरूर इसको परिक्रमा करना, क्योंकि गिरिराज की परिक्रमा करने से भगवान सब इच्छा पूरी करते हैं। ठाकुर जी उसको पीछे पीछे ठाकुर जी भी चलते हैं। इसलिए बड़े सुंदर इन लोगों ने गिरिराज बनाए। हाँ बोलो थोड़ी सी। नमो विष्णु पादाय श्री राधिकाय त्रियात्मने श्रीमती भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम ने श्री कृष्ण लीला कथने सुदुक्षम उदारे माधुर्य गणेश उत्तम वरम वरण्य पुरुषम महांतम नारायण तुम शीर्षा नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। अब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त। हाँ देखो इन्होंने प्रार्थना की, मैं बताया ना गिरिराज को एक बार परिक्रमा करना, लेकिन वो कह रहे जो गिरिराज बनाया पूरा चेयर को खड़े करके, उन्होंने चेयर को खड़े कर कर करके बनाया। अगर परिक्रमा करेंगे तो फिर वो टूट जाएगा, फिर गिर जाएगी। इसलिए आप लोग सबके सब गिरिराज को प्रणाम कर लेना, ठीक है? सब सब गिरिराज को प्रणाम करना। अब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर करके जोर से, देखिए भगवान का एक नाम ना कहते हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करण प्रकाश। एक कृष्ण नाम क्या करता है, हमारे सारे जन्मों जन्मों के पाप खत्म करने की शक्ति रखता है। इतना ही नहीं, हमें भगवान के पास ले जाके उनकी सेवा में लगाता है। तो ऐसी है इस नाम की महिमा जो महाराज जी पिछले 6 दिनों से सुनाने का आपको प्रयास, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस कृष्ण नाम को आप जोर से कीजिएगा, KG2 वालों को पता चले, इधर GG1 वालों को पता चले, उधर M ब्लॉक, उधर महावीर नगर जाने चाहिए दूर तक। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। और एक बार, 3 बार बोल अभी आवाज नहीं है आपकी जोर से। अब आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, आप पहले बोलेंगे मैं आपके पीछे बोलूंगा, जोर से बोलेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले हरि नाम संकीर्तन की जय। सर्वप्रथम अपने गुरु जी नित्यलीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत सिंह नारायण गोस्वामी गुरुम जी के चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंच आसीन पूजा भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दिन 6 दिनों से अपना कीर्ति सत्य प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात कृष्णा वैष्णवी आप सबके जीवन वासियों को मेरा दंडवत प्रणाम। देखिए आप बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। श्रीमद् भागवतम में आपने ऐसी कथाएं उसका किसी का भी अपने जीवन में पालन कर लें तो क्या होगा, आपको संसार में जो हम दुखी है ना, कभी संसार में दुख का आस्वादन बिल्कुल हल्का सा भी ना, उसका छीटा वोटा भी नहीं मिलेगा। क्यों? कि भागवत क्या करती है, भागवत हमारे हृदय के जितने भी कलमश है सबका नाश करती है।
कैसे चाहिए, सुननी चाहिए, कि कहते हैं ना सुन छड़िया, सुन के छोड़ना नहीं है, सुन के एक यहाँ से सुन देना, यहाँ से सुन के हृदय में जाने चाहिए। सुनना उसको बोलते हैं हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी बोलते थे कि जिसको सुना उसका पालन किया उसको बोलेंगे सुनना, नहीं तो सुन तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखिए जो है ना कथा, ये मनोरंजन की बात नहीं है, ये है आत्मरंजन की बात। जैसे लोग बोल रहे थे, हमारी भाभी और भी लोग बोल रहे थे कि जो कथा है ना ये आत्मरंजन के लिए नहीं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो हम लोग एंटरटेन करते हैं 31 दिसंबर जैसे आज, तो सब लोग घूमने गए होंगे, बहुत सारी दुनिया घूम रही है ट्रैफिक की ट्रैफिक के रोड पे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, भागवत हमें क्या सिखाती है, आत्मा की डाइट क्या है, आत्मा को हमें क्या देना चाहिए। क्योंकि देखिए कहते हैं लभवा सुदुर्लभम इदम भोग संभवंत, कहते हैं जो मनुष्य शरीर है बहुत मुश्किल से मिलता है, जैसा कि इन्होंने बताया 84 लाख योनियों के बाद मिलता है 84 लाख। सोचिए कभी हम, आज ठंड है तो हम हीटर के पास बैठे हैं, हमने कैप अपने सर पे, हम ग्लव्स पहन लेते हैं, ठंड है हमें, हमारे हेडेक हो रहा है, हम केमिस्ट के पास डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑपरेशन करवाना है, कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हमारे पास हर चीज का बुद्धि भगवान ने दिया, उसको यूज करके हम वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन सोचिए जब इस मनुष्य शरीर में तो पहुंच पाएंगे वहां पे, लेकिन अगर हमारे कर्म अगले जन्म में मनुष्य को वैसे जैसे होने चाहिए कि मनुष्य शरीर मिले और वैसे नहीं हुए, अगर हम दूसरी योनियों में चले गए तो क्या हमें, हमारी हमारा क्या होगा, उस समय कितना नुकसान होगा। इसीलिए कहते हैं समय रहते ही व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। अगर यही नहीं विचार किया कि मुझे जाना कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका पुत्र हूँ, किसकी संतान हूँ, जैसे महाराज जी ने बताया था ना, हम किसकी संतान है, हम भगवान की संतान है। जैसे भगवद गीता में बोलते हैं ममे वांछो जीव लोको जीव भूतो सनातना, ये अर्जुन जो जीव जो है ना, भगवान कह रहे हैं गीता में ये मेरा अंश है, मुझे भूलने के कारण इस संसार में भटक रहा है, जब तक ये मेरी शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक ये सुखी नहीं हो सकता। जितने भी लोग संसार में क्या करते हैं, कोई देवी देवता की पूजा करता है, कोई माता की करता है, कोई किसी की करता है। आप ये देखिए जिसकी पूजा आप कर रहे हो देवी देवताओं की, क्या वो आगे किसकी पूजा कर रहे हैं, सारे के सारे कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले क्या कहते हैं, कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण कौन है, वहां सच्चिदानंद विग्रह, कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह, सत्य चित और आनंद की ये मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण है। देखिए इसमें जो चीजें समझने वाली है ना, कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ऐसे वाले भगवान है जो देवी देवता है ना, ये तो हमें एक ब्रह्मांड का पता है जिसमें हम रहते हैं, ऐसे असंख्य भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, रोम रोम से। और ये वाला जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी है ना, वो सिर्फ चार मुंह वाले हैं, और बाकी जितने ब्रह्मांड दूसरे वाले वो उनके जो ब्रह्मा जी हैं वो बहुत ही बड़े बड़े, किन्हीं के 8 मुंह, किन्हीं के 16, 32, 64, ऐसे कितने हजारों लाखों मुंह वाले ब्रह्मा जी हैं, जितने ज्यादा जितने बड़े ब्रह्मा जी के मुंह उतना बड़ा ब्रह्मांड। तो देखिए वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और वो उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी भी कहते हैं एक स्थान पे, क्या कहते हैं कि जय विजय, जो जितने भी देवी देवता आते हैं भगवान को प्रणाम करने के लिए, दिन प्रतिदिन समय क्षण क्षण, मुकुट पे मुकुट, मुकुट पे मुकुट, धरती पे दंडवत प्रणाम करते 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 थक जाते हैं, कहते इतनी आवाज आती है कि सड़क पे क्या ट्रैफिक की हॉर्न की आवाज आती है, तो भगवान को इतनी दंडवती लगती है। कहते हैं हमारा शरीर किसका बना, कफ पीत पेशाब की थैली है ये, हमारे गुरुवर हमें समझाते हैं। तो इसको हम इसी के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, हम ये नहीं सोचते मेरा अगले जन्म होगा क्या हुआ। कहते हैं इस टट्टी पेशाब की थैली से ना 10 पैसे के शरीर से हमें क्या मिल सकता है, जैसे प्रभु जी ने बताया था हमें क्या मिल सकता है, वो सच्चिदानंद विग्रह भगवान कृष्ण की सेवा में हम जा सकते हैं, शरीर 10 पैसे का, और हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, खरबों अरबों, वो भी कुछ नहीं, क्योंकि खरबों अरबों भी शरीर के साथ ही रह जाएगा। हमें सोचना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, कहते हैं किस समय बुद्धिमान बनना चाहिए, फिर उस श्लोक की तीसरी लाइन में बोलते हैं तूनम जतेत न पुतेत न मृत्यु यावत, कहते हैं तुरंत जैसे ही पता चले कि कृष्ण की अनन्य भक्ति, अनन्य मतलब भगवान कृष्ण के अलावा अन्य किसी और की नहीं, इसमें कहते हैं कि किसी और की नहीं, फिर कहते हैं तूनम जतेत न पुतेत न मृत्यु यावत, कहते हैं मृत्यु जो ना 24 घंटे हमारे सर पे खड़ी है, और हम किसी व्यक्ति को पता हो कि अपना कि मैं आज मरने वाला हूँ, और उसको बोल दिया जाए 2 लाख रुपए दे के जाओ भी, पैसे भी कमाओ, जाओ शॉपिंग कराओ, क्या वो जा पाएगा,
नहीं जा पाएगा, जा पाएगा? आप जब तक जा सकते हैं कुछ तो देखिए वो नहीं जा पाएगा, क्यों? और मैं मरने वाला हूँ। तो देखिए ऐसे ही उसको तो पता है, उसको ज्ञान है इस चीज का कि वो नहीं जा पा, वो मरने वाला इसलिए नहीं जाएगा। लेकिन क्या हमें पता है 24 घंटे मृत्यु किसी की भी आ सकती है। जो व्यक्ति भी मरते हैं वो सुबह उठते हैं, क्या उनको पता होता है कि मेरी मृत्यु आज आएगी? नहीं, नहीं पता होता। तो देखिए किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। हम इतनी कीमती सांसों को इतनी हम क्या कर रहे हैं, टीवी देखने में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, फ्रेंड से, मूवी थिएटर, यहाँ डिस्को पॉप सब जगह आ रहे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भूल चुके हैं हमारे सर पे मृत्यु बैठी है, भूल चुके हैं सब कुछ। हमारा मंगल कैसे होगा कि मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा, या दोबारा किसी योनि में जाना पड़ेगा, वहां पे हम स्वेटर कंबल नहीं पहन सकेंगे, ग्लव्स नहीं ले सकेंगे, कुछ नहीं होगा वहां पे। तो इसलिए समय रहते बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कहते हैं तूर्णम जते इतना पते, जिस क्षण पता चले कि भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से हमारा मंगल होगा एकमात्र, और दूसरा कोई हमें नहीं बता सकता, ना कोई देवी देवता बता सकता है, ना कोई असुर, ना कोई भी, ना माता पिता। माता पिता तो हम सबके चले ही जाते हैं हमारे सामने, है ना, किसी के बच्चे तो किसी के माता, सब जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सकते हैं मेरे पिता नहीं गए, सब चले जाते हैं। तो एकमात्र जो उपाय है कि सदगुरु की शरण ग्रहण करके, कि महाराज जी आए हो ना, दिखने में इतने सरल है और हृदय से भी ऐसी सरल है, इनमें कोई छलक पर 24 घंटे भजन में है, ये 50 साल से जीवन भजन में दे रखा है। देखिए ऐसे कहते हैं हरिद्वार जाते हैं हम लोग, आप में से हरिद्वार कितने लोग गए हैं, हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, देखिए कितने लोग गए हैं। अभी देखिए ठंड में अगर आपको कहा जाए हरिद्वार में जाके डुबकी लगाओ, जाओगे? अभी बहुत कम लोग होंगे जो रे रही माता जी हैं अभी इस एज में भी, जाओ माता जी की जय। तो देखिए हरिद्वार जाने से क्या फल मिलता है, हमारे पाप खत्म होते हैं। कहते हैं ऐसे संतों के दर्शन जाने, दर्शन करने मात्र से ही हमारे, हमें ऐसे संतों के दर्शन से हमारे जो है ना पाप खत्म होते हैं, हमें उसी फल की प्राप्ति होती है। देखिए ऐसी संतों की महिमा, ऐसे संतों की जो साधारण को समझिए, ये हमारे जन्मों जन्मों के, जन्मों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य उदित हुए कि आपके इस KG1 विकासपुरी में ऐसे महाराज जी, ऐसे संत महात्मा का आगमन हुआ है। कहते हैं ना कि जो गुरु होता है ना, गुरु गुरु ढूंढता शिष्य को, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, हमारे शास्त्र बताते हैं। तो देखिए ये भागवत होने वाली थी हरिनगर में, कभी जनकपुरी, कभी महावीर नगर, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं इसको विकासपुरी में करवाओ, वहां पे तुम रहते हो। तो देखिए महाराज जी कृपा करने के लिए आपने कैसे खुद चुना इस ब्लॉक को, और आप सब लोग देखिए कितने ही सोसाइटी में लोग रहते हैं, हम हर घर में गए बुलाने के लिए, हो सकता है कोई गलती से कोई घर लॉक हो, वो वहां पे हम ना जा पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम हर घर में गए तो हमने सोचा सभी लोग आए, तो देखिए उसमें से भी एक ही घर था, एक ही घर में तो 400-500 लोग हो जाते। हम KG2 में भागवत होती वहां पे अनाउंस किया, एमलोक में गए तो हजारों लोग होने चाहिए थे। तो मुझे लगा था ट्रेंड छोटा पड़ेगा, लोग बाहर खड़े होकर लगेंगे, हमें वो लगानी पड़ेगी LCD, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कितना सुदुर्लभ ये साधु संघ, ऐसी हरी कथा। तो देखिए अपने जीवन को वेस्ट मत कीजिए, ऐसे संतों का दर्शन आज मिल रहा है, कल मरते समय अगर हमने गुरु धारण ना किया हो ना, हमें कोई नहीं बचा पाएगा मृत्यु के मुंह से, और अगले जन्म में क्या होगा। लेकिन सदगुरु तो महाराज जी बताते ना, एक फालतू कुत्ता होता है फालतू, दोनों में क्या फर्क होता है, कहते हैं एक ने कंठी माला पहनी होती है वो होता है फालतू ठाकुर जी का, लेकिन जो फालतू होता है उसने कंठी माला नहीं पहनी होती। कहते हैं फालतू को वो कुछ है, फालतू को छोड़ता नहीं है, सॉरी बोलता नहीं है, फालतू को छोड़ते नहीं है। तो कहते हैं इसीलिए जल्दी से ऐसे सदगुरु आपके कॉलोनी में आए हैं, इनको देखिए समझिए और इनसे हरिनाम लेने का प्रयास कीजिए, फिर पता नहीं कब क्षण मिले नहीं मिले। और दूसरी चीज है हरिनाम की, तो महाराज जी ने खूब महिमा सुनाई। ये दूसरी चीज आती है एकादशी का व्रत, एकादशी का जो व्रत है महीने में सिर्फ 2 बार आता है, सिर्फ 2 बार। उसमें आप ऐसा नहीं कि आपको खाना नहीं है, आप 2 बार ही खाए, 3 बार ही खाए, 4 बार ही खाए, प्रयास करें कि 12 बजे से पहले ना खाएं ना पिएं। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो सुबह उठते भी खा सकता है, मेन है व्रत रखना चाहिए। एक अच्छी के व्रत की ना कथा आती है छोटी सी, 5 मिनट की कथा सुना के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। ठीक से पकड़ो, एक कथा आती है रुक्मांगद महाराज जी की। उस कथा में बताते हैं कि एक बार ये रुक्मांगद नाम के राजा थे अयोध्या में, अयोध्या नगरी में एक समय। तो वो जो थे उनकी पत्नी थी, उनका एक पुत्र था धर्मांगद।
तो वो बहुत ही कांची के व्रत के पालन करते थे बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने अपने पूरे राज्य में, पूरे नगरी में, सब जगह घोषणा करवा दी कि मेरे नगरी में जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रखेगा उसको हम क्या करेंगे, मृत्यु दंड देंगे, उनको सजा देंगे कठोर से कठोर। तो कुछ कह लो डर की वजह से और कुछ सत्संग के प्रभाव से सभी लोग एकादशी रखते थे। एकादशी रखते रखते काफी समय हो गया, तो कहते हैं ना जैसे महाराज जी बताते हैं 51 52, जैसे 51 वन मतलब कहते हैं।